इस समय वास्ते, और सब जन हूँ असी अपनी अखंड बंद करांगे। सब जन किसी दी अख खुली ना हो, सब जन अपनी अखंड बंद करांगे और अपने सिरां नूं परमेश्वर दे सन्मुख झुकावांगे और परमेश्वर नूं दंडवत करांगे। सब जन सामर्थी यहोवा परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे आ यीशु मसीह दे पवित्र नाम दे विच। अज दे दिन वास्ते मेरे यहोवा परमेश्वर सचमुच तेरा हौली स्पिरिट पवित्र आत्मा अज इस जगह ते मौजूद आ परमेश्वर। सचमुच तुहाडा पवित्र शास्त्र कहिंदा जिथे दो जां तीन मेरे नाम ते इकट्ठे होण उन्हां विच मैं मौजूद हाँ। ये मेरे खुदा बाप सचमुच तुसीं साडे विच मौजूद हो परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर अज दे दिन वास्ते असीं प्रार्थना करदे हां तेरी पवित्र हजूरी दे लई, तेरे सेवक दे लई, तेरे दास दे लई परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर जो तुसीं उन्हां दे द्वारा अज सिखाउण जा रहे हो यहोवा परमेश्वर, साडी प्रार्थना इस चीज़ दे लई, इस समय वास्ते भी परमेश्वर, ताकि जो भी तुसीं अपने दास दे मुख तों सिखाउण जा रहे हो सचमुच सानूं अज बहुत अच्छा सिखाउण जा रहे हो परमेश्वर। इस चीज़ के नाल यहोवा परमेश्वर जिन्हें लोग आए हुए हैं सचमुच परमेश्वर अज सब जन अगवाइयां दे नाल वापस आउण। ये हवा परमेश्वर अज तुहाडे पवित्र शास्त्र नूं, तुहाडे वचन नूं सुन के आने वाले समय दे विच अगवाइयां नाल वापस आउण। ये हवा परमेश्वर तुहाडा वचन दसदा कि मेरा वचन प्रभाव रहित नहीं बल्कि प्रभावशील है, हर एक गुद्दे गुद्दे नूं विन्न सुटदा परमेश्वर, अब मना नूं जानण वाले परमेश्वर। ये हवा परमेश्वर अज हरेक सन जो भी तेरी पवित्र हजूरी विच पवित्र हैकल दे विच अज मौजूद है परमेश्वर, सचमुच अगवाइयां दे नाल वापस आ रहे ने। ये हवा परमेश्वर अज इस दिन इस समय वास्ते तुहाडा थैंक्स करते, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा जलाल सारी महिमा तुहानू मिलने परमेश्वर। ये हवा परमेश्वर साडी प्रार्थना वा तुहाडे दास दे लई परमेश्वर, तुसीं उन्हां नूं सिर तों लैके पैरां तक मसीह नाल भर चुके हो। साडी प्रार्थना उन्हां दे परिवार दे लई परमेश्वर, उन्हां नूं आशीष करना, फलवंत करना परमेश्वर। ये हवा परमेश्वर अज असीं तुहाडे कोलों इस प्रार्थना दे विच्चों मसा मंगदे हां जो साडे स्पिरिचुअल फादर और मदर दे कोल आ। अज वो मसा सानू भी मिले परमेश्वर, अब सचमुच अपने वचना राही सानू मसा उडेलन जा रहे हो परमेश्वर। ये हवा परमेश्वर साडी प्रार्थना वर्शिप टीम दे लई, वर्शिप सोंग दे लई परमेश्वर, जो तेरी महिमा तेरी आराधना दे लई बोलने जा रहे हैं। ये हवा परमेश्वर बोलने वाले नूं बल और ताकत देना परमेश्वर, सुनने वाले नूं उस चीज़ की समझ और बुद्धि देना परमेश्वर, ताकि तेरे राज दे विच वधदे आण परमेश्वर, आशीष पाउण परमेश्वर। ये हवा परमेश्वर सचमुच तुहाडा बलदायक आत्मा अज इन्हां दे उत्ते आवे परमेश्वर। अज हरेक जन जो बीमारी विच आ, तकलीफ विच आ, अज तुहाडे पवित्र वचन दे नाल अज आजाद होण जा रहा परमेश्वर। असीं विश्वास करदे हां जो आजाद हो के जावे यीशु दे नाम दे विच, जो जन भी जकड़न जिस तरह की बंदिश दे विच जकड़िया होया परमेश्वर, अज सचमुच तुहाडे पवित्र कलाम दे नाल अज आजाद होण जा रहा परमेश्वर। साडी प्रार्थना हरेक जन दे लई परमेश्वर, जो लोग आए ने, जो आने वाले ने, उन्हां नूं तुसीं संभाल के लैके आ चुके हो, अज समय नूं बहुत सारा पवित्र कर चुके हो। इन्हां सभनां गल्लां लई तुहाडा मंगदा हां जिंदे बेटा यीशु मसीह दे पाक और पवित्र नाम दे विच, आमीन। तो परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु दे पवित्र नाम दे विच अज दे दिन वास्ते, और सब जन असीं हुण वर्शिप दे विच जावांगे। और सचमुच अज बहुत सारे बंधन अज वर्शिप दे राहीं टुटन जा रहे, बहुत सारिया बीमारियां तो अज लोग चंगे हो जा रहे इस वर्शिप शौक दे नाल। तो आओ असीं मिल के उस यहोवा परमेश्वर की वर्शिप नूं गावांगे, और सचमुच अज दा जो वर्शिप असीं सुनने जा रहे हैं सचमुचे साडे जीवना ते आशीष का कारण बन जा रही है। और सब जन असी अपनी अखण बंद करके वर्शिप दे विच जावांगे यीशु दे नाम दे विच, आमीन। हले 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 इको थोड़ी हले हले हले। तो ठीक है जी, सर्वशक्ति जी का बड़ा धन्यवाद मसीह गुरु यीशु जी के सामर्थी और पवित्र नाम दे विच, और असीं सब जन सच्चे परमेश्वर जी दे लई एक जोरदार क्लैपिंग करांगे। और जो परमेश्वर जी दे दास उन्हां दे लई भी एक जोरदार क्लैपिंग करांगे। तो ठीक है जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी का बड़ा धन्यवाद।
मसीह गुरु यीशु जी के सामर्थी और पवित्र नाम दे विच इस भजन दे लई आओ चानण दे गवाह बनी गवाह बनी आओ चानण दे गवाह बनी गवाह बनी मेरा प्यारा खुदावंद सारे जगत का चंदन है।
ਸ਼ੁਦਿਆ ਸੀ ਹੋਏ ਐਸਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਜਾਣਨ।
गवाह बने। आमीन। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਜਨ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਔਰ ਸਭ ਜਨ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਭ ਜਨ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਹਮਦਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਬਣ ਰਹਿੰਦਾ ਏ।
आत्मा रूह से भरो, अपने आप को आत्मा रूह से भरो, परमेश्वर के प्रेम में भरो, अपने हाथों को हलाते हुए मन से आत्मा से भर जाओ। जब आप आत्मा से भरते हो, परमेश्वर आपको निजात देता है, छुटकारा देता है। सब अपने हाथों को हलाते हुए फिर से मन से वर्षित करेंगे। दिल से पूरे रूह से भरो अपने आप को। हर वेले ताए मेरे जंगलू, हर वेले मैंने कुछ आंदा है। ओरे दारी लगलो कानू में कुछ बढ़ ले आंदा है। ओगे लाल सुन दर आ जावे, आ जावे पीछे का जावे। समर्थ परमेश्वर का मैं धन्यवाद करदा, और परमेश्वर की प्रेजेंस थोड़ा सब का स्वागत है। और असी सर्व शक्तिमान परमेश्वर के लिए वो स्वागत के लिए मेरे माइक सुन असी जोरदार सर्व शक्तिमान परमेश्वर की महिमा लिए आदर करेंगे दिल से, क्योंकि वो महिमा के योग है परमेश्वर, वो सत्कार के योग है। आमीन 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 आमीन। प्रभु का शांति का आत्मा आपको छुए, शांति का आत्मा आपको छुए। प्रभु आपको शांति दे। बच्चे जाओ बच्चों, शांति। और सुनो, सुनो सुनो, सब सब अपनी अखा बंद करो और इस जगह ते होली स्पिरिट पवित्र आत्मा है, जिथे पवित्र आत्मा है, जिथे परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य है, जिथे दा जलाल है, कोई अंधकार दियां शक्तियां इस जगह ते ठहर नहीं पाण गियां, क्योंकि परमेश्वर महान है। असी जानते हैं कि कोई भी गंदी बदरू परमेश्वर दे जलाल दे सन्मुख, क्योंकि परमेश्वर एक आज्ञा, एक जलाल या एक तेज या, इस करके वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मौजूदगी साडे विचकार आ। इसलिए लिखा कि जदों उहदे भवन दे विच तुसी आंदे हो, उहदी पाक पवित्र हजूरी विच आंदे हो, ते बड़े डरदे अते कंबदे हुए आओ। क्या आओ?
बड़े डरते और कंबदे हुए अपने तमाम जीवन के पाप के गुनाहों तो अपने आप को माफी दे योग परमेश्वर के सामने लेके जाओ, क्योंकि इस जगह पर परमेश्वर की पवित्र सभा आ, इसलिए पाप की कोई भी चीज इस जगह पर ठहर नहीं सकती। कोई अंधकार की चीज, कोई गंदी आत्मा, गंदी बदरू, कोई चीज नहीं रुकेगी, क्योंकि इस जगह पर किदा जलाल आ, किदा प्रकाश है इस जगह पर, क्योंकि कौन है साडे विचकार। सो इस करके असी सिर्फ अपने आप नू आत्मा ते रूह नाल भरना आ। बोलो की भरना? अपने आप नू असी आत्मा ते रूह नाल भरते जाना आ और उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करना आ, क्योंकि महिमा दी योग आ। असी इस योग नहीं सी, क्योंकि प्रभु ने कहा तुसी मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया। और क्यों चुनिया? कारण क्यों चुनिया? ताकि असी अंधकार विच सी, असी उस पाप विच सी, पर किन्ने सानू उस अंधकार चो छुड़ाया, किन्ने सानू अपने राज विच बुलाया। इहदे विच साडी कोई योग्यता नहीं है, परमेश्वर दी करुणा उहदी किरपा आ, पर असी उहदी उस किरपा नू अकार्थ नहीं करना, व्यर्थ नहीं करना अपने जीवन च। क्योंकि जो लोग बुद्धिमान ने, समझदार ने, वह कदी भी परमेश्वर की कृपा न अपने जीवन चो अकार्थ नहीं करे, व्यर्थ नहीं करे, समय में व्यर्थ नहीं करे। तुहानू पता इंसान के जीवन च प्रॉब्लम समस्या कदों खड़िया होंदिया ने? तुहानू पता जदों वो इस जीवन च चौकस नहीं रहिंदा, जिवें परमेश्वर ने तो अपने वचन च हर गल लिख के दिती आ कि चौकस रहो, कि रहो, क्योंकि शैतान तुहानू सीध दे बुक वांगू फाड़न दे लई की आ तैयार आ। की आ बोलो? पर तुसीं चौकस रहो, होशियार रहो, समझदे हो? अगर तुसीं चौकस नहीं रहे इस जीवन च, अगर तुसीं ध्यान नहीं दिता परमेश्वर दीआं गल्लां ते उन्हां वचनां ते, ते वह तुहानूं अपनी जुगती च फसाएगा और इन्ना बुरी तरह फसाएगा, तुसीं उच्चों निकलना तुहाडे लई औखा हो जाएगा, समझदे हो? पर उस जुगती च पैण तो, हालात तो पैण तो पहलां ही अपने आप नूं किहदे विच सेफ रखो, सुरक्षित रखो और किहदे विच जीओ, समझदे हो? ताकि आने वाला समा जो तुहाडे जीवन च आ, आने वाले समय दे विच तुहानूं कोई परेशानी ना देखनी पए, कोई मुश्किल ना देखनी पए अपने जीवन च, और तुसीं सिर्फ किहदे नाल जीओ। इस करके कदी भी अपने समय नूं अपने जीवन च परमेश्वर दी नूं अकार्थ ना करो, व्यर्थ ना करो, हर समय तैयार रहो, परमेश्वर दी हर गल, हर नियम, हर चीज नूं अपने जीवन च पूरियां करदे जाओ। जो तुसीं पूरियां करदे जाओगे, परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल रहेगा, वह मददगार आ, वह सहायक आ, पवित्र आत्मा साडा लिखिया मददगार आ, वह हमेशा ही तुहानूं सहायता देवेगा। जिवें परमेश्वर दात ने कहा बहेली है जाल, वह शैतान दा जो जाल शैतान तुहाडे जीवन च विछांदा आ, उत्तों तुहानूं वह बचा के रखेगा। बोलो की रखेगा? वह बचा के रखेगा, समझदे हो? पर बने रहना ही जीवन है। क्यों प्रभु ने कहा सी मैं एक सच्ची अंगूर दी की हाँ वेल हाँ, और जो जो टहनी मेरे विच बनी रहिंदी है, जुड़ी रहिंदी है, मैं की करदा उन्हूं छांकदा ताकि और फले। की फले? जिहड़ा बुद्धिमान इंसान आ, परमेश्वर दे दास दाऊद ने कहा वह बहती नालियां दे किनारे ते जिवें एक रुख लगा हुंदा आ, समझदे हो? वह उस समान आ, बुद्धिमान मनुष्य किस समान आ? बहती नाली नदियां दे किनारे जिवें एक रुख लगा आ, वह उस समान आ, क्योंकि उन वह अपनी जड़ कित्थे फैलाउंदा आ, मतलब समझदे हो? तो अपनी जड़ कित्थे फैलाउंदा? वह पानी च। और लिखिया पत्त झड़ वेले उदे पत्ते की नहीं होंदे, झड़दे नहीं आ, ते गर्मी औड़ दे वेले उदे जेड़े पत्ते आ वह कुमलाउंदे नहीं आ, क्योंकि उहदियां जड़ां कित्थे आ? पानी च। और वह की लाउंदा? वह फल लियाउण तों लिखिया कदी भी रुकदा रुकदा नहीं आ, क्योंकि उहने अपनियां जड़ां कित्थे? नदी दे किनारे ते आ। किहदे ते आ? और वह रुख दी न्याई असीं आ। अगर तुसीं अपने आप नूं किहदे विच वधा रहे हो, किहदियां गल्लां च, किहदे वचनां च वधा रहे हो, तो तुहाडी जड़ की हो रही आ? मजबूत, क्योंकि साडी चट्टान मसीह आ।
साड़ी चट्टान की है मसीह है समझ दिया और साड़ी जड़ कादे च आ विश्वास विच आ जिहड़ी असीं उहदे विच प्रभु दे विच वधाउणा है अपने आप नूं की करना है घटाउणा नहीं है वधाउणा है बोलो की करना वधाउणा है और जदों असीं वधदे जावांगे जिवें छोटा पौधा आ ते उन्नू डर हुंदा आ उहदी असीं चार छपेरा की करदे हां जिवें कई कंडियां दी वाड़ लांदे ने इट्टां दा दायरा बनाउंदे जां लोहे दा जंगला उहदे उपर रखदे आ ताकि कोई उन्नू बच्चा कोई जानवर उस पौधे दा कोई नुकसान ना करे पर जदों उस पौधे दी असीं देखभाल करदे हां रखवाली करदे हां ते उही पौधा वध के पेड़ बन जांदा आ की बन जांदा उही छोटा पौधा पेड़ बनदा आ बनदा कि नहीं बनदा और जदों पेड़ बन जांदा फिर दस बच्चे उस पेड़ दे उपर चढ़ के खेलन ते उन्नू कोई परवाह पर वो छोटा या पेड़ ते छोटे बच्चे तो भी उस पौधे नू की आ डर आ समझदे हो इस तरह ही अगर असीं मसीह च बालक आ ते हमेशा सानू डर रहेगा पर तुसीं मसीह च सियाणे हो गए हो ते तुहानू कोई डर नहीं रहेगा शैतान का कोई पै नहीं तो तुसीं डरदे रहोगे अगर तुसीं उहदियां गल्लां च उहदे वचनां च उहदियां नियमां च उहदियां आग्ञावां च न्याणे हो इसलिए लिखा हमेशा तुसीं दुध पीने वाले ना रहो समझदे हो तो जिवें जदों पौधा पेड़ बन जांदा फिर उहनूं कोई जानवर जीव जंतु भी आके टक्करां भी मारे उहदा कुछ विगड़न वाला समझदे हो जदों असीं मसीह विच इन्ने तकड़े हुंदे हां और परमेश्वर ने हर वचन च अपने लिख के दिता सानूं की दिता कि जिवें तिमोथियुस नूं परमेश्वर दे दास ने कहा कि हे मेरे पुत्र की कहा हे मेरे पुत्र उस अनुग्रह विच जिहड़ा तेरे उत्ते होया की होया जिहड़ा अनुग्रह तेरे उत्ते होया उहनूं उहदे विच की हो जा तकड़ा हो जा होया कि नहीं होया अनुग्रह तुहाडे उत्ते कृपा किहदी होई आ पर वह कृपा वह अनुग्रह जिहड़ा साडे उत्ते होया वह साडे जीवनां च एवें जा रहा है फालतू च जा रहा कई लोग बिन एक कई इंसानों एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है मतलब समझते हो बड़ी मुश्किल आ कई लोग बिना मुश्किल बिना कारण ओ चलो कोई गल नहीं आ अज आए हाँ समझते हो समझ रहे हो मेरी गल नू कई लोग कल नैट ते दसिया बारिश आ वो अज तैयारी कर रहे हैं नैट ते की आ कल दसिया बारिश आ वो कहिंदे कल बारिश आ जानी आ ते अगर असी अज अपने काम कार नहीं किते ते कल मुश्किल हो जाएगी पर प्रभु ने अपने वचन च लिखे दा कल दा दिन आएगा वो तुहाडी चिंता करेगा और इंसान कैसा इंसान होएगा तुही सोचो उस ऐसे इंसान दा परमेश्वर दे नाल कैसा लगाओ दा की प्रेम हो सकदा जिहड़ा जिहड़ा कल दे दिन नू नैट तों लोकां ने दस्या कि कल नैट ते बारिश आ कल मुश्किल हो जाएगी और जो करना अज ही कर लो जो करना अज ही कर लो कल बारिश आ इंसान तो की आस रखेगा वह की उहदा लगाव होएगा की प्रेम करदा आएगा मैं तो हैरान हाँ खुद जिहड़ा कल दे लई चिंता करके बैठा रहा और उन्हें यह नहीं पता प्रभु ने एक धनवान का क्यों दृष्टांत दिता कि उन्हें अपनी सारी उम्र अपना धन इकट्ठा किया और उन्हें पूछा तेनू पता है कल की होने वाला है किसी नू पता कल की होने वाला है कोई नहीं जानता पर लोग इस जीवन की चिंता नू लेके बैठे ने इस जीवन के लिए क्योंकि वह पता नहीं है अनजान ने इन गलों तो की ने अनजान ने अगर थोड़ा प्रभु दे नाल प्रेम आ बोलो की आ जिवें परमेश्वर दास पौलुस जी दा ही वह कहिंदा कि उपद्रव की संकट की नंगाई की जोखम की तलवार की तूफान हनेरियां केड़ियां चीज़ां ने जड़ियां मैनू अज कोई तूफान हनेरी तो नहीं है पर लोग कल आनी है तूफान कल ने दसिया बारिश आ और वह अज ही रुक के बैठे ने साफ मौसम दे विच वह की परमेश्वर तो प्राप्त करनगे इसे लिए प्रभु ने कहा जड़े जड़े अगे ने पिछे हो जाएंगे जड़े पिछे ने वह अगे हो जाएंगे समझते हैं रोम की पत्री 3:1 च लिखा एक वचन देखांगे रोम की पत्री 3:1 च
ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਚਨ ਇੱਕ सब अपने वचन तैयारी नाल सब बैठा करो अपने वचन पहले ही काट के सब पूरे चौकस नाल सो यहूदी दा की वादा अते सुन्नत दा की लाभ है हर प्रकार करके बहुत नालों ता एहो जो परमेश्वर दियां बाणियां उन्हां नूं सौंपियां गईयां तो सुनो सुनो यहूदी दा और सुन्नत दा की लाभ आ क्योंकि सब तो पहला लिखिया उन्हां नूं बाणियां इह जिहड़ा वचन आ अज जिहड़ा तुहाडे कोल आ तुहाडे हत्थां विच आ तुहाडे मनां विच परमेश्वर ने दिता जिहड़ा बंदा अनपढ़ आ जिहड़ा पढ़ना मैं कहना कि उहदे हत्थ विच वी की चाहिए आ बाइबल चाहिए क्योंकि साडा जीवन कादे विच आ विश्वास विच आ सब बोलो साडा जीवन कादे विच आ और इस बाइबल वचन नू जेड़ा इंसान प्रेम करेगा मैं की बोलिया जेड़ा इस बाइबल दे वचन नू प्रेम करेगा जेड़ा प्रेम करेगा मैं दस रहा उन्हू कोई संकट कोई कलेश कोई बीमारी जिम्मे वचन च क्या प्रेमी इंसान ली उदे धर्मी इंसान दे लई ना उन्नू अग साड़ सकेगी ते ना नदियां उदा कुछ भी वगाड़ बुखार सिर दर्द ते पता नहीं और छोटियां मोटियां बीमारियां मैं तो कुछ भी नहीं जानता उन्हां नू समझदे हो छोटियां छोटियां बीमारियां मैं क्या उन्हां नू की क्या ना अग साड़ सकेगी चुनान नबी दे बारे किन्ने लोग जानते ने चुनान नबी बारे हथ खड़ा करो चुनान नबी बारे हथ खड़ा करो जे जुनान नबी बारे जड़े जानते ने जुनान बारे बैठे रहो घर मुड़ के कहें जे मुश्किल सानू अं मर गए जी लुटे गए साढ़े जीवन च ते काम नहीं हुंदा क्यों नहीं हुंदा बोलो अरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आकाश अते पृथ्वी नूं बनाउण वाला जिन्हें एक शब्द नाल इस आकाश नूं हवा च खड़ा किया बोलो की किया ये सूरज जड़ा अज पूरी दुनिया नूं प्रकाश दे रहा साइंस विज्ञान दसदी है धरती नालों दस गुना करके वड्डा आ किन्ना वड्डा अग दा गोला परमेश्वर ने एक शब्द नाल बनाता समझदे आ अगर वो अग दा गोला हल्का जा अपनी रेस तो सुनो ध्यान करो सब सुनो मेरे हल बाइबल थले बात देखो सारे इधर देखो मेरे हल अगर वो अग दा गोला उस सूरज अगर वो हल्का जा अपनी जगह तो क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने सही जगह से सैट करके रखिया जद तक इस काश नू जद तक वचन च लिखिया जदों का परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तदों का सब कुछ उस तरह की है सब कुछ उवें स्थिर आ बनिया आया समझते हो तो अगर वो अग दा गोला हल्का जा नीचे आ जाए थले आ जाए अपनी जगह तो की होएगा सोचो तो सोच के देखो जड़ी दुनिया जड़े अपने आप न पता नहीं कैसे मूर्खताई बिच जी रहे ने जिन्हां नूं किदे वचन दी किदे प्रेम दे नहीं मैं अज भी किसी नूं दस रहा सी कि मैनू प्रभु दे विच इन्ना समा हो गया कि मेरे जीवन च माइक वास की हो गया तो मेरे जीवन च की इन्ने समय दे विच इन्ने साल दे विच कोई जमने मरने व्याह शादियां कुछ नहीं आया कि मैं नास्तिक हाँ मेरा कोई अगे पिछे नहीं है बोलो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं मेरा कोई भैन भरा नहीं है एक प्रेम है परमेश्वर के नाम बोलो कि एक अगर तुसी सिर्फ अपने लिए जूंदे हो तो तुसी अजे फिर प्रभु नूं नहीं जाणिया जिहड़ा इंसान ओहदे लिए जींदा उन्हें उन्हों जाणिया कि जाणिया पतरस नूं की कहा सी समझते हो अगर जिन्हों नहीं समझ उन्हों जानना पेगा जो ना बारे नहीं जानते समझते हैं मैं हुने सूरज की उदाहरण दिती तुहानू सूरज के बारे कि अगर वो हल्का जा अपनी जगह तो नीचे आ जाए थले आ जाए तो दुनिया का की बनेगा
दसो की बनूंगा, की बनेगा दुनिया का? मैं क्या वो सड़ के उदा इन्ना तेज आ, गर्मी का मौसम आने वाला ना, किद्दा लोग त्रास त्रास करते हैं। मैं क्या अपनी जगह तो थोड़ा और नीचे आ जाए, सब लोग सड़ के सुआ जाएंगे, फिर लभ लैन जो लभना है। पर फिर भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लिखा भला आ, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर आ, इंसाना वर्गा नहीं आ। इंसान खुद अपनी प्रॉब्लम च मरदा क्योंकि वो किन्नू प्रेम नहीं करता, किदी इच्छा ते नहीं चलता, किदी मर्जी नू नहीं पूरा करता। संबंधी हो और जुनान नबी सेम परमेश्वर की मर्जी पूरा करन तो भज रहा सी। सुनो सारे, जुना एक परमेश्वर का चुनिया होया जन, आप भी सब किदे चुने हुए हो, पर सानू पता नहीं है। तुहानू लगता मैं मेरे सिर शायद सिर च पीड़ ही, तो मैं तां करके आई हाँ। मैं कि हाँ, मेरा पति नशा करता ही, मेरे लक चो दर्द नहीं है जाती, मेरे बच्चा नहीं है, मैनू आ नहीं सी, ए गल नहीं है। परमेश्वर का रास ये नहीं है, जानना पएगा तुहानू, क्योंकि तुहाडियां मुश्किलां, तुहाडियां प्रॉब्लमां, तुहाडियां गल्लां प्रभु दे लई कुछ भी नहीं है। समझते हो? अगर तुसी किन्नू जान लिया, क्यों प्रभु ने आख्या सी सबसे पहले तुम किदे राज्य ते सच्चाई की खोज करो, किन्नू किन्नू पालो, किन्नू खोजो, तो सब चीज़ा की आ जाएगियां, तुहाडे पिछे आ जाएगियां। पर जिहड़ा उहनू खोजदा नहीं है, भजदा नहीं है, जुनान नबी भज्जिया किदे तो, परमेश्वर की गल तो भज्जिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जा मेरे लोगों नू जाके। नीवने एक शहर से जिथे बहुत सारा पाप बद गया। सुनो ध्यान, समझ आ रही सारे नू? नीवने एक ऐसा शहर से जिथे लोग बहुत उन्हां दी पाप की चिलचिलाहट परमेश्वर के सामने बद गई। की बद गई? तो परमेश्वर ने अपने जन जुना नबी नू क्या उथे जा ते मेरे बारे जाके दस, की कर तुसी दस दे हो दूसरिया नू जाके कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन कौन दस देने दूजियां नू कि सच्चा परमेश्वर नू तुसी भी जान लो, कौन जाके अपने रिश्ते भैन भरावां नू जाके उहदा शुभ समाचार देंदे ने, उहनां नू जाके दस देने कि आजो तुही भी तुहाडा भी जीवन बचेगा, कौन कौन उहनां दे लई प्रार्थना करदे अपने गली महल्ले दे लई, रिश्तेदारां दे लई, अपने पिंड दे लई, अपने नगर दे लई, क्योंकि दे सच नू जान लैण। समझदे आ? मैं कई लोगों नू प्रभु की खुशखबरी दसन दे लई जिहड़े कमजोर ने, जिहड़े नहीं जाणदे इस चाई नू, पता नहीं मैं कईयां नू 15 अद्धा अद्धा घंटा उन्हां नू एक गल उन्हां दे जीवन की उस प्रॉब्लम के बारे उन्हां नू समझाना कि नहीं जान लो, तुसी समझ लो इस जीवन नू, इस सच नू। और जिहड़े नहीं समझते फिर वो प्रॉब्लम च पैंदे ने, मरदे ने। समझते हो? जिवें जुना क्यों प्रॉब्लम च आया, क्यों मुश्किल च आया, किदी गल तो भजन तो पिछे, अगर वह पूरा करता क्योंकि वह डर गया। जिवें कई लोग हो सकता डरते हो इस जगह तो, कई वो नाम तो भी शर्माते ने, की करते ने, वो नाम तो भी शर्माते ने। पर जड़ा प्रभु दे नाम तो शर्माएगा वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता अपने जीवन च। तो जुना परमेश्वर की गल तो भज्जिया, परमेश्वर ने कहा जा मेरा जाके उन्हां लोकां नू संदेश दस, उन्हां नू मेरे बारे दस, क्योंकि वह बड़ी पाप की चिलचिलाहट च वध, उन्हां दी पाप बहुत वध गया। पर जुना ने अपने मन नाल सोचिया, अपनी सोच नाल सोचिया, नहीं उत्थों दे लोक बुरे ने, उन्हां वे वह मैनू ही मैनू कात कर देन, मैनू मार देन, मैं नहीं जाना। और लिखिया वह जहाज़ के उपर नीवने की जगह पर तरसुस नू चले गया, और परमेश्वर का प्रकोप उते पड़किया, और लिखिया एक तूफान आया बहुत वड्डा समुंदर च, और जिस जहाज च सी वह जहाज डुबना शुरू हो गया। उस जहाज का जेडे मला उदा और जिन्नी उच्च यात्रु सी, जिन्ना समान सी, लिखिया उन सारा सुट रहे सी और हल्का कर रहे सी, जा सब कुछ जिन्ना अनाज जो कुछ कीमती उन्होंने चीज़ा सी, जहाज हल्का कर रहे हैं। जो जीवन समझते हो, जो जीवन ते जो जीवन की जान के उपर पैंदी आ, इंसान सब कुछ छोड़ता है।
अपनी खान दियां चीज़ां कीमती चीज़ां उन्हां दा जड़ा अनाज भोजन से सब कुछ से उन्होंने अपने जीवन नू बचाउन दे लई जहाज नू हल्का करन दे लई सारा कुछ समुद्र च सुट्टी गए कि जहाज की हो जाए हल्का और साड़ी जान क्योंकि डुबे ना जहाज और जुना जहाज दे हेठले भाग विच सौं रहा सी की कर रहा सी ओ सौं रहा और सब लोग अपने अपने सब की कर रहे ने पुकार रहे ने परमात्मा नू और जुना नू एक जन ने वेख्या कि वह थले सुता वह कहिंदा सब तू तेनू कोई पता नहीं है देख बार की बन रहा की बन रहा तेनू कोई चिंता नहीं है तू आराम नाल सुता थले तेनू कोई फिक्र नहीं है उन्हें फिक्र नहीं है वह डरदा मारा लुकिया आया सी किते जहाज दे थे लड़े भाग कोई किते कोई भज सकता कोई लुक सकता किते परमेश्वर तो किते जा सकता है वह तो दूर होके कुछ नहीं हो सकता पर जदों उन्हें सब वह कहते सब आपो अपने देवते अपने अपने सब परमात्मा पुकार रहे हैं तू भी की कर पुकार जदों उन्हें पुकारिया कि हे जल थल दे परमेश्वर किवें हे जल थल दे परमेश्वर तू प्राकर्मी परमेश्वर समझ और जो उन्हें इस तरह शब्दों नाल उन्होंने पुकारिया तो वह जड़े बाकी जिन्हें यात्रू से सवार उस जहाज के विच उहदे शब्दों नू सुन के हैरान हो गए भी ये किवें गल करता है ये किवें बोलता है फिर उन्हें कहा यह मुसीबत मेरे कारण आ मैनू तुसी पानी च सुट दो ये तूफान सारा शांत हो जाए क्योंकि वह जानता सी असीं भी कई गल्लां तो जानते हुंदे आ कि क्यों आ साडे जीवन च ये तो ये अपने आप नू क्यों परमेश्वर ने अपने वचन च कहा कि चैक करो अपने आप नू की करो चैक करो जांचो मतलब अपने आप नू परखो जांचो कि किस अनुसार चल रहे हो उहदे नाल की उहदी आग्या नू पूरा कर रहे हो और कि चीज़ पूरी कर रहे कि चीज़ नहीं कर रहे अपने आप नू परखो चैक करो कि गल नू तुसी पूरा कर रहे हो तो वह जानता सी कि ये मुसीबत मेरे कारण आ ये मुसीबत की आ मेरे कारण आ और वह कहिंदा मैनू सुट दो पानी दे विच समुंदर च ये तूफान शांत हो जाएगा वह कहिंदे असीं इदां को करिए अहीं क्यों तेरी जान दा पाप अपने उपर लैके आईए वह कहिंदे नहीं नहीं इदां नहीं करना कहिंदा नहीं तुसी करोगे तो बचाए जाओगे ये मेरे कारण आ तुहाडा पाप तुहाडे सिर ते नहीं आएगा उन्हें फिर उन्होंने गल की कि नहीं तुहाडा पाप तुहाडे सिर ते नहीं आएगा इस पाप इस तमे जिम्मेवार आ पर फिर भी परमेश्वर अनुग्रहकारी और पलाया बोलो की आ अपने जन नू उप्रेम करदा आ लिखिया जदों नू समुंदर च सुट्टिया तूफान सी तो उन्हें की हो जाना सी पानी च डुब के की हो जाना सी मर जाना सी लिखिया परमेश्वर ने एक वड्डी मगरमच्छ एक वड्डी मच्छी नू भेजिया लिखिया उन्नू मूँह विच ओ पाके अपने पेट विच की कर लिया उन्हें जिन्हें नहीं सुनिया उन्हें सुनो मन च रखो वचना च तो एक वड्डी मच्छी नू भेजिया परमेश्वर ने लिखिया उन्नू ओ इस तरह ही मूँह च सबूत इस तरह ही पूरा दा पूरा ही निगल गई जुना मच्छी दे पेट दे अंदर चले गया और तीन दिन तक रहा किन्ने दिन तक क्योंकि मच्छी दे अंदर दा जो सिस्टम आ समझते हो जिवें साडे पेट दे अंदर दा मतलब किवें बनाया परमेश्वर ने असी कुछ भी खाने आ असी दो मिनट बाद खाने और पांच मिनट बाद वो सारा सारा गल गल जांदा आ क्योंकि हर एक भावें जीव आ जंतु आ जदों वो खांदा आ उहदे अंदर दा सिस्टम दा इदां दा अपने आप की हो जाएगा हड्डियां भी वह भी गल जांदियां कई दे समझते हो पर किदी सामर्थ नाल बचा रहा तीन दिन लिखिया यूना नू परमेश्वर ने मच्छी दे पेट च जिंदा रखिया की रखिया तीन दिन तक मच्छी दे पेट च उन्हू की रखिया जिंदा रखिया और तद उन्हू पता लगा कि मैं सब कुछ मेरे कारण आ ते लिखिया वो मच्छी समुंदर दे पौत हेठले ढां चलेगी और तदों जुना ने पुकारिया की किया उन्हू पुकारिया फिर परमेश्वर नू ते लिखिया उहदी समुंदर चों बहुत थल्लों उहदी आवाज कित्थे पहुँच गई स्वर्ग च ते तुसी पृथ्वी दे उपर जे पाणियां दे हेठां
समझदे हो? अगर तुहानू समस्या, अगर तुहानू की आ समस्या, पर जिहड़ा नहीं जानदा समझदे आ, क्योंकि जिन्हों प्रेम आ परमेश्वर दे नाल समझदे आ वह जीवेगा। पर जो ना भज रहा सी परमेश्वर की गल तो, कई लोग बिन बिन बिना कारण अज प्रभु तो दूर ने, अज तो समझने, जिमें समय असमय की रहो तैयार रहो, की रहो समय असमय तैयार रहो। मुड़के बाद विच कहिंदे जी ये क्यों आ जी साढ़े नाल, क्यों की कारण नहीं आ इस तरह, ये क्यों हो रहा इस तरह साढ़े नाल, है सर समझने, अं तो दशमांश भी कढ़ते हैं, अं तो प्रार्थना भी करते हैं, की कारण ने, क्योंकि कि खरे नहीं है समझते हो। और जड़ा इंसान परमेश्वर नाल खरा आ, बोलो की आ, उन्हें कौन बचाता है समझते हैं। पर जो ना नू फिर भी परमेश्वर ने अपनी दया दे नाल चिंता रखिया, क्योंकि उन्हें उदे जीवन तो की लेना सी, काम लेना सी, पर आखिरकार जब उन्हें पुकारिया एंड की होया, तो अड़ी फिल्म जिथे मर्जी भज लो जाके उ एंड होना, कितने भी चल जाओ, कितने भी भज लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आखिरकार इन्नी मुसीबत सहन तो बाद फिर भी जाना उन्होंने कितने पिया, उस शहर नीवने च, फिर उत्थे ही परमेश्वर ने सुटिया, मच्छी ने फिर जाके की किया मूचो गला जिमें सुटिया, और बार उस शहर च सुटिया। फिर समझते हैं, अगर वह पहला ही अपना मन सही रखता और कि इच्छा पूरा करता तो मुसीबत आनी सी नहीं सी आनी। इस करके सानू जानना पेगा, समझना पेगा, की बनना पेगा, सानू कि ज्ञान समझना पेगा, समझते हो जरूरी है, बोलो कि आ जरूरी समझ। सो इस करके बस जेड़ा तो इंसान बनिया रहेगा, और इसलिए इत्थे लिखिया यहूदी, पढ़ना दोबारा हुण थोड़ा जा, सो यहूदी दा की वादा अते सुन्नत दा की लाभ। हाँ, यहूदी दा की वादा, सुन्नत दा की लाभ, और हर प्रकार करके बहुत पहलों ता एहो जो परमेश्वर दियां बाणियां उन्हां नूं सौंपियां गईयां। हाँ, सब तो पहला ये वचन किन्ना दे कोल आया सी, किदे कोल आया सी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साडे किन्ना लई आए इस दुनिया च, सिर्फ यहूदियां दे लई, और किसी दूसरी जाति कोल, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह किन्ना किन्ना दे लई आए, सिर्फ यहूदियां दे लई, और फिर भावें कोई बेवफा निकले। हाँ, तां की होया, पला उन्हां दी बेवफाई परमेश्वर दी वफादारी नूं व्यर्थ कर सकती है। कोई बेवफाई कर रहा, उदे नाल पूरा खरेई नाल चल नहीं रहा, उन्हूं प्रेम नहीं कर रहा, उस अनुसार वो नहीं जी रहा, तो लिखिया उन्हां दी बेवफाई की परमेश्वर दी सच्चाई नूं व्यर्थ कर सकती है। अगर तुसी मन लो तुसी कहिंदे नहीं जी साडा नहीं काम बनिया, असी नहीं आना, तो की है परमेश्वर दा काम रुक जाएगा? अगर तुसी नहीं आंदे हो तो की हो जाएगा? 10,000 पता नहीं किन्ने लोग नवे खड़े कर देगा। आमीन। की कर देगा? वो नवे खड़े कर देगा। इसलिए प्रभु ने कहा जेडे अगे ने पिछे हो जाएंगे, जेडे पिछे ने, अगर तुसी अज उस अनुसार नहीं प्रभु की इच्छा नू पूरा किया, वेट करेगा परमेश्वर, तुहानू देखेगा, और हो सकता तुहाडे तो लोग पिछों आण के ज्यादा आशीषा, ज्यादा कुछ वचन समझन वाले, उहदे नाल चलन वाले, हर गल धुप हनेरी मीह विच किहदे नाल तैयार ते खड़े रहणगे, और तुहाडे नालों मंगरों लैके ज्यादा आशीषा ते बरकतां नाल और जीवन दीआं तंदरुस्तियां नाल किहड़ा जीवन जीणगे हो, समझदे हो? क्योंकि हर एक दे अपने अपने उपर डिपेंड करदा है, समझदे हां? और अगे पढ़ना, अगर बेवफा निकले तो उहदी सच्चाई व्यर्थ ठहर सकती है, और कदे नहीं सगो परमेश्वर सच्चा ठहरे अते हर मनुख झूठा। हाँ, देखो सगो कौन सच्चा ठहरे? हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, समझने हैं?
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਝੂਠੇ ਠਹਿਰਨਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਠਹਿਰਨਾ ਬੋਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗੀ ਵਿਅਰਥ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਠਹਿਰੇ ਧਰਮੀ ਔਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਜਿੱਚ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਸਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਸਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਸਭ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ ਉਸ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਹ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਨਾਹ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜੋਗੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅੜੇ ਅਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇਵੇਗਾ ਸਮਝੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਅਰਥ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਟਾਣੀ ਕੌਣ ਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਲ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਤ ਵਧੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਰਥ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਆਮੇਨ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੇਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਅਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਝੂਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਆ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਏ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਤੂੰ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਵਿਆਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤ ਵੀ ਪੀੜ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੋਗੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਭਰੋਗੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਪ ਔਰ ਹਰ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮਰਥੀ ਆ ਬੋਲੋ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮਰਥੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਾਲੇ 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 ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਾਵੇ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਬਚਾਵੇ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਾਵੇ ਯਸੂ ਨਾਸਰੀ ਬਚਾਵੇ ਦੁੱਖ
सब पूरे दिल से मन से बोल जो आज अपनी समस्या नु अपनी प्रॉब्लम नु अपने रूह के आत्मा नाल पर दे परमेश्वर की स्तुति करो आराधना करो सब पूरे दिल से
सब पूरे देश से। हालेलुया हालेलुया बोलो Oh,
यीशु नासरी बचावे ओ ते सारिया जरूर तानू जाना जाना हदीले यीशु मेरे नाल नाल मेरे दिल हरिबेले यीशु मेरे नाल नाल मेरे दिल पछाणदा डिगदा हां जदों बाहों फड़ के उठाउंदा खात विचों चुकी पत्थर बच बठाउंदा मैं डिगदा मेरे चार चुफेरे मेरे 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 चार चुफेरे करदा दूर हनेरे तंबू खुशियां दे हर बेले यीशु मेरे नाल नाल रहंदा मेरे दिल दा पाल पछाणदा ओ हर बेले यीशु मेरे नाल नाल रहंदा मेरे दिल दा पाल पछाणदा यीशु जेहा प्यार मैनू करे होर कोई मरे प्यार मैनू करे होर कोई ना मेरे मरे मरे कोई ना बच जावे मेरी जान बच जावे मेरी जान खुदा होया कुर्बान बच जावे मेरी जान मुल दिता मुल दिता मुल दिता हर बेले खुदा मेरे नाल नाल रहंदा मेरे दिल दा हाल पछाणदा ओ हर बेले यीशु मेरे नाल नाल रहंदा मेरे दिल दा हाल पछाणदा बोलो हालेलुया Hallelujah. Hallelujah.
सेवक निमाने नूतन यीशु दा सहारा हर रे खुदा मेरे नाल नाल रहंदा मेरे दिल दा मालिक शहंदा ओ हर रे हालेलुया आमीन। कितने लोग आनंदित हो गए ने बोलो, सब आनंदित हो गए, क्योंकि साडा आनंद उस रूह नाल परना अपने आप नू ही जीवन है। अगर असी अपने आप नू पवित्र आत्मा नाल नहीं पनांगे तो असी छुड़ाई नहीं जावांगे कि नहीं जावांगे, असी छुड़ाई नहीं जावांगे, बैठ जावांगे असी सब अपनी जगह थी और टेस्ट मनी अपनी अपनी गवाही चिन्ना ने भी लिखाई है, साइट ते जल्दी आ जाओ, असी टाइम वेस्ट नहीं करांगे। प्रभु दी महिमा दे लई चेक, और कोई भी अपना काम अगर प्रभु दे जीवन च कर रहा तो उन्हें छुपाओ नहीं, कि ना करो उन्हें छुपाओ नहीं, प्रभु दी महिमा नू गाओ ताकि दूसरियां नू भी पता लगे कि परमेश्वर तुहाडे विच रह के की कर रहे ने, अपने कम्मां नू कर रहे ने, समझ रहे हो। असी एक एक करके साइड ते आ जाओ सारे, एक एक करके सब और जल्दी ना जल्दी ना। असी स्टार्ट करांगे और बड़ी चौकसी नाल सबने परमेश्वर दे कीते हुए कम्मां नू सुनना है, असी चौकसी नाल सुनांगे सब। इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ। तो परमेश्वर जी का धन्यवाद, गुरु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम विच आदर देने लई परमेश्वर जी का बहुत सारा धन्यवाद। और सब नू जय मसीह दी, परमेश्वर जी का धन्यवाद करदे यीशु मसीह के नाम विच।
ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਚੱਪਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੋ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣੋ 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 ਰੋਗ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਭਰੋਸਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਯੋਰ ਸੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਰ ਸੇ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਔਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਰੋਜ ਆ ਔਰ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੂੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਰ ਕੁਝ ਦੁਪੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਸ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਪਹਾੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਹਾੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ 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 ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦਾ ਬੋਲੋ ਨੇੜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕੌਤਕ ਬੀਤਿਆ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਗਿਆ
यदि उम्र है अजे ये चीज़ों की समझते हो, पर किसी ने एवं जल्द बदोबदी और ये भी इन्हों के मदर या इमाम इन्हों के मम्मा ये भी जानते ये सच न जानते क्योंकि इन्होंने सोचा शायद कुछ अच्छे लिए है कि बोलो पर अच्छे नहीं है उदा आने वाला समय का जोड़ा रिजल्ट से वह गलत से समझते हैं। स्कूल बच्चे का स्कूल छुट गया, लोग जिस पिंड रेंदे ने उत्थे उन्हों ठट्ठा कर रहे हैं, बच्चे दूसरे मखौल करते हैं कि तू लड़की आ ये आ वो आ। सोचो बच्चे दे जीवन च की बीतदा, हो सकता एक दिन अक के गुस्से च आके ये अपने आप में कुछ कर लेंदा, समझते हो। पर परमेश्वर महान है जिहड़ा इंसानों नू की करता प्रेम करता और हर प्रॉब्लम चो की करता उन्हां नू बाहर कढ़दा। और इन्हां दे मदर की गवाही भी तुसीं सुनी, इन्हां दे बच्चे दी मां दी, इन्हां दे कितनी वड्डी प्रॉब्लम सी, ये रोगी सी, तुहानू पता है हार्ट का इन्हां नू नुक्स हो गया सी और इन्हां नू साह की प्रॉब्लम सी। और एक दिन इन्हां दी बेटी ने प्रभु नू जाणिया परमेश्वर नू और इन्हां नू भी दस्या, बोलो की करिया इन्हां नू भी दस्या और बहाने नाल कहिंदे हॉस्पिटल लैके तैनू जाना और कित्थे लैके आ गए, इत्थे लैके आ गए। और उस दिन तो ही प्रभु ने इन्हां नू की किया चंगिया किया। योर से तारीफ करेंगे बड़ी योर बलविंदर कौर सोइया के रहने वाले ने और इन्होंने दसिया कि इन्हों का बेटा एक महीने तो इन्हों के कहने तो बाहर से घर में कोई भी गल कहते तो कहना नहीं सी इन्हों का मानता और काम से भी नहीं ही जाता। और प्रेरित जी ते मुख तो इन्होंने तुम्हें दसिया और तेजे मुख तो परमेश्वर जी ने बोलिया कि तुम प्रार्थना करो उन्होंने वास्ते, परमेश्वर बिल्कुल वधिया कर चुके आ। तो कहते कि मैं उन्होंने वास्ते प्रार्थना करती रही और दो तीन दिन तो इन्हों का बेटा इन्हों का कहना भी मनना शुरू कर दिता उन्हें और काम से भी जाता वा। और इस गल परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते यीशु के नाम च, तारीफ करांगे योर से हर गल च प्रभु की महानता है। तो प्रेरित जी इन्हों का नाम अंजू और वेरके तो आए ने, दसते पे ने कि इन्हों बहुत चिर तो कुछ भी कन्ना विच सुनाई नहीं देंदा सीगा और प्रेरित जी तुहाडे मुख तो हीलिंग हुई कि जिन्हां दे कन्न बंद ने जिन्हां नू कुछ नहीं सुनाई देंदा यीशु दे नाम च अज कन्न खुल चुके ने। और जो इन्हां नू लैके आए ने इस जगह ते और उन्होंने उस वेले इन्हां नू तो नहीं उस टाइम सुनाई दे रहा सी, लेकिन जो लेकर आए उन्होंने भी रिसीव किया कि परमेश्वर मैं इस बच्ची नू लैके आई हाँ और परमेश्वर मैं रिसीव करती हाँ कि तुसीं उन्हां दे कन्नां नू बिल्कुल वधिया कर चुके हो। और उस भैन दे रिसीव करन दे नाल इन्हां दे दोनों कन्न खुल गए यीशु मसीह दे नाम दे विच। सुनो 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 सारे, क्योंकि कदी कदी कुछ गल्ला जिवें डॉक्टर भी हैरान रह जाएगा, डॉक्टर भी कि किस तरह हो सकता है, बोलो की हो सकता, किस तरह हो सकता है कि बचपन तो नहीं सुनता, बचपन तो बच्ची नू की नहीं सी कन्ना तो सुनता नहीं सी और किन्ने अद्धे कन्ना नू खोलिया असी देखिए प्रैक्टिकल च देखिए असी सारे प्रैक्टिकल च देखना चाहते हो क्योंकि जिन्हू नहीं सुनता वो दूर तो आवाज़ वो सुन नहीं सकता। ठीक है मैं बोलांगा, ठीक है पापा का क्या नाम, पापा का नाम नहीं, नाम की पापा की नाम सुनो 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 कि जेड़ा बच्चा नहीं सुन रहा बोलो कि या कि इन्नी दूरों उन्नू सुनाई देवेगा, बोलो देवेगा देवेगा असी और अही और टेस्ट कर दें की करते हैं असी और टेस्ट करते हैं। मम्मा का नाम हालेलुया
तारीफ करांगे जोर से, जोर से। भेजो बच्ची नूं, भेजो भेजो बच्ची नूं, भेजो। सुनो, कईयां नूं लगदा होएगा, कई इंसान कुछ सोच सकदा, क्योंकि ये इस बच्ची दी मौसी लगदी, मासी समझे, कन्ना चों पाक रेशा निकलदा सी, समझदे हो, क्योंकि परमेश्वर महान आ। बोलो की है, परमेश्वर महान आ। उहदे लई इस दुनिया च कोई भी कम औखा नहीं है, कोई औखा नहीं, पर हर एक विश्वास करन वाला उहदे नाल किन्ना वफादार होना चाहीदा, बस यह सच है, क्योंकि जो प्रेम करेगा और नाल बनिया रहेगा परमेश्वर नूं की करेगा, चाहे वो पहले दिन क्यों नहीं आया, चाहे वो पहले दिन ही, इस समझने हैं, वो पहले दिन ही क्यों नहीं आया, और उन्हें कौन आजाद करेगा, तारीफ करांगे योर सिस्टर। कवल या लद्देवाल तो आए ने और इन्हें दसिया कि एक साल तो इन्हें भी कन्न में बहुत ज़्यादा में दर्द रहिंदे सी, रेशा ते खून भी वगदा सी, और ये सत्संग में बने रहे और जो दर्द से उस तो परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद कर दिता सी, और कहते कि मतलब जो रेशा और खून बिल्कुल बंद नहीं सी होंदा, वगदा ही रहिंदा सी, और जो प्रेरित जी तुहाडे द्वारा हीलिंग्स हुई और इन्होंने रिसीव किया कि सचमुच परमेश्वर मेरे ते भी तुसी अपना मसा दे चुके जो, और आज तो ये कन्ना में जो रेशा और खून वगदा वा ये भी तुसी बिल्कुल वधिया कर चुके जो, और सचमुच यीशु मसीह दे नाज परमेश्वर जी ने इन्हां नूं फ्री कर दिता वा, और बिल्कुल कोई रेशा नहीं और कोई खून नहीं वगदा, यीशु मसीह दे नाज परमेश्वर दा धन्नवाद करदे ने। तारीफ करा तो प्रेर जी, इन्हों का नाम बलविंदर और मिशरपुर तो आए हैं, ये दसते पे ने कि किसी जगह पर ये रेत के ट्राली भरन वास्ते गए सी, और उत्थे परमेश्वर का वचन दस रहे सी जो इन्हों के नाल सी, और दसते पे ने कि जो ट्राली भर रहे तो मेरे पैरों में कोई जुत्ती भी नहीं पाई, तो अचानक रेत के एक गोह निकली जो पैर नूं कट्टण ही वाली सी, लेकिन परमेश्वर ने मैनूं बचा के रखा, यीशु मसीह के नाम के विच। परमेश्वर हर हालात तो तुम बचा। कुलविंदर कौर आ और मालूवाल तो आए ने, और इन्होंने दसिया कि इन्हों की दाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इन्होंने वे मेडिसन लैके आँधी, और जो इन्होंने मेडिसन खाधी से तो उस समय इन्हों रिएक्शन कर गए, और कहते कि मेरा सिर एवं घूमी जा रहा है, और ये फिर एवं इन्होंने परिवार वाले एवं डॉक्टर को बुला के लैके आए, और उन्होंने कहा कि जो मेडिसन है इन्हों रिएक्शन कर गई आ, और इन्होंने दसिया कि मेरा मन जो ही प्रार्थना में भी नहीं लग रहा, और कहते कि मतलब उस तो बाद मैं परमेश्वर ने बोलिया कि मैं कोई मेडिसन नहीं खानी, और प्रेरित जी ने तुम्हें कॉल किया और दसिया कि मतलब मेरा मन जो प्रार्थना में भी नहीं लग रहा, और कि मैं जो एक कंडीशन आ, तो सचमुच परमेश्वर ने तुहाडे मुख तो बोलिया कि इसे समय तो ही बैठ के प्रार्थना करो, तो परमेश्वर तुम्हें पूरी तरह आज़ाद कर चुका वा, और कहते मैं उसी समय बैठ के 5-10 मिनट प्रार्थना की, और परमेश्वर ने मैं बिल्कुल वधिया कर दिता यीशु के नाम विच। की परमेश्वर सब दी सुनदा, बोले सारे दी सुनदा, जो तुम प्रार्थना च किदे कोल जाओगे, अपने मन नु किदे कोल लेके जाओगे, क्योंकि किसे तो मैं दूर दूर या किसे तो, क्योंकि सब दी सुनदा, बोलो की करदा हो, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है जो रात नु सौंदा है, वो नहीं है, वो 24 घंटे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਤਿਆਰ ਆ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਰ ਸੇ।
सुपरेर जी इन्हों का नाम वीरो और जयंतीपुर तो आए हैं। दसते पे ने कि इन्हों के बेटे उत्ते चोरी का एक केस पै गया और कोई भी गवाही नहीं दे रहा सीगा और बहुत ज़्यादा परेशान सीगे, दुखी सी इस गल तो कि कोई भी साड़ी गवाही नहीं दे रहा। अगर कोई कहता सी मैं गवाही देना तो बहुत सारे पैसे इन्हों को मंगता सीगा और कोई भी नहीं कर रहा सी। और ये परमेश्वर अगे इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की कि परमेश्वर तुसी साड़ी प्रार्थना नु सुनो और परमेश्वर निश्चय तुसी उत्तर दे चुके हो। और इन्होंने प्रार्थना की और अचानक जो इन्हों के नौ ने उन्हों की जो मम्मी ने साडे पिंड मखण मिंडी विच उन्होंने दसिया इदा तो उन्होंने मतलब कि किसी ने बोलिया कि साडे इदा ए वाली साडे जो जवाई जी ने उन्होंने ये प्रॉब्लम आ तो तुसी साडे लई गवाही दो। तो उन्होंने बिल्कुल फ्री विच गवाही भी कर दी यीशु के नाम च। और ये दसदे पे ने कि राती बिल्कुल ठीक नहीं, इन्हां दी आवाज़ एकदम गुम हो गई, कुछ भी नहीं इन्हां को बोलिया जा रहा सीगा। और इन्हां दी जो नौ आ और उन्होंने बोलिया कि चलो आप सारे जाने बैठ के प्रार्थना करते हैं। और जदों उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की तो इन्होंने उपरों एक छल आई और छल आने के नाल ही इन्हों की आवाज़ भी यीशु मसीह के नाम से उस वे वापस आ गई। और इस गवाही के लिए यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद। सुनो संसार विच इस तरह हुंदा है, पहले दसो मैनू कोई इंसान की आवाज़ बंद हो जाए कि हो जाए, चाहे कोई भी किते भी किते जाता है समझते हो, पर आवाज़ की होगी। पर इन्होंने अपनी नूं है ना, अगर जिन्नी भी आवाज या इशारा किया ना हो आप प्रभु च की करिए बैठिए और कौन करेगा समझते हो, क्योंकि वो किसे तो भी दूर। ये जदों इस सच्चाई विच नहीं सी जां सी तुसीं प्रभु नूं नहीं जानते सी, इस तरह हुंदा सी तुहाडे नाल कदी? बोलो इस तरह हुंदा सी? किन्नूं जानण तो बाद हो गया, क्योंकि वह सबती सुनता है। शोर से तारीफ करांगे, वो महान है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। क्योंकि जदों साडे अंदर विश्वास की आत्मा वधदी आ कि वधदी आ समझदे हो, विश्वास साडा वधदा आ, सानू पता लगता है कि परमेश्वर साडी सुनदा है, सुनदा कि नहीं सुनदा, सबती सुनदा। बोलो की करदा आ परमेश्वर? सबती सुनदा। पर इस तरह नहीं हो जाना, मैं एक चीज तुहानूं दसा एक पॉइंट, क्योंकि करन वाला सब कुछ कौन है? कोई इंसान नहीं है। बोलो की है, अगर मान लो मैं हीलिंग करदा जां मैं कुछ करदा समझदे हां, कौन करदा? क्योंकि मैं अपने आप नूं सोचा कि मैं करदा हां तो मेरा मन की बन जाएगा? कमांड नाल भर जाएगा। कदे नाल भर जाएगा? पर सब कुछ कौन करदा? ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि वह असी सिर्फ विश्वास करते हैं और वह साडे विच हो के की कर रहा अपने कम्मां नूं कर रहा है, की कर रहा? मैं ये जड़े बच्चे ने सेवकाई दे लई खड़े हुए ने, मैं इन्हां नूं भी सिखाया, हो सकदा अजे तक मेरे द्वारा कोई जमंदरू लंगड़ा नहीं चलिया। कि नहीं चलिया जमंदरू लंगड़ा? कोई अजे अज तक मुर्दा जिंदा? अगर तुम ही अच्छे मन नाल चल रहे हो कि नाल ये बच्चे जड़े फील्ड सेवकाई दे ले जांदे ने, मैं क्या अगर हो सकदा तुहाडा मन अच्छा तुहाडी चाहत नू देख के समझदे हो, तुहाडे मन अच्छे नू तुहाडी चाहत नू देख के तुहाडे विश्वास दे अंदर दी आत्मा उभरे, हो सकदा कल नू मैं तो नहीं अजे जमंदरू लंगड़िया चलिया, पर तुहाडे द्वारा जमंदरू लंगड़ा की हो गया चल गया, तो हो सकदा शैतान कल नू पावे लै सर दे द्वारा ते अज तक चलिया नहीं है कि नहीं चलिया, जां ईवन कोई मुर्दा भी
कि अज तक सर जी के द्वारा तो कोई लंगड़ा समझते हो जा कोई अदर विश्वासी सोचे कि नहीं शायद वो उस तो ज्यादा नहीं पर लिखा चेला है ना प्रभु की बाणी च परमेश्वर ने हर गल का एक मीनिंग दसिया कि चेला की नहीं हुंदा गुरु तो वड्डा नहीं हुंदा समझते हैं पर एक पॉइंट आ हर गल विच की आ पॉइंट आ सीख है एक साढ़े लिए सीखने के लिए हो सकता कलीसिया का भी मन इस तरह हो सकता है जां उस बच्चे का जां कोई भी इस तरह विश्वास करने वाले का ओदा भी मन तदों किदी युक्ति चो आ जाएगा किदी युक्ति च आ जाएगा जदों शैतान की इंसान युक्ति च आउंदा ते उन्नू बुरी तरह फिर फसाउंदा आ की करदा उन्नू फिर वो उन्नू बुरे तरीके नाल उन्नू अपनी युक्ति च की कर लैंदा वो फसा लैंदा आ फिर वो समझ नहीं आता कि उच्चों बार किवें मैं आना है कि आना है समझ रहे हो क्योंकि जदों पत्र ते यूहन्ना ने एक जमांदरू लंगड़े नू चंगा किया तो लोग सब हैरान हुए और उन्होंने कहा तुसी आश्चर्य क्यों हैरान हो रहे हो कि साड़ी भक्ति जां साड़ी शक्ति नाल चंगा हो गया किदे किदे नाम नाल ये चंगा होया यीशु नासरी दे नाम नाल अज ये बच्चा की आ ये बंदा की आ जो तुसी वेख रहे हो ये चिन्ह इनू किन्ने चंगा किया किन्ने किया यीशु नासरी ने चंगा किया है समझदे हो समझ रहे कि नहीं समझ रहे पॉइंट इस करके परमेश्वर तो अपना काम पर जिन्ना कोई अपने आप नू दीन करेगा नीवा करेगा प्रभु उन्ना ही उन्नू उच्चिया क्योंकि परमेश्वर का राज की है बोलो की है परमेश्वर का राज नेड़े ते आया पर किन्ना दाया जेड़े दीन ने प्रभु यीशु ने की कहा सी पीड़ा नू वेख के तन ने मनुख जेड़े मन दे दीन ने जिन्ना कोई अपने आप नू नीवा करेगा उन्ना ही प्रभु की करेगा उन्नू उच्चिया उन्ना ही उच्चा करेगा जिन्ना कोई नीवा करेगा और करता ही जाएगा कि जाएगा वो करता ही जाएगा समझते हो वो करता ही जाएगा समझते हो क्योंकि परमेश्वर की आ महान आ समझते हो परमेश्वर की आ महान आ समझते हैं अगर तुसी अपने आप नू दीन बहुत उस उदी सेवा दे ली जिदे लिए बुलाए गए हो हर एक जन की सेवा लिए बुलाया गया बोलो कि सेवा लिए असं बुलाए गए हो सकता तुहाडे विचों भी अजे हो सकता अजे उहदा मन इस तरह आ हो सकता कल नू उहदा मन उभरे उस चाहत विच उस मन विच और तुहाडे विचों भी पता नहीं किन्नू किन्ना प्रभु इस्तेमाल करे कर सकदा कि नहीं कर सकदा कर सकदा कर सकदा है पर तुसी किदे लिए इस्तेमाल हो रहे हो किदे लिए क्योंकि किदे लिए इस्तेमाल हो रहे हो उस प्रभु दे लिए उस परमेश्वर दे लिए जिन्ने तानू अपने राज अपनी सच्चाई च बुलाया बड़ी वड्डी खुशी दी गल आ क्योंकि लिखा जो कुछ भी कर दे हो तन मन से करो इन समझ के नहीं कि मनुखां दे लिए किदे लिए असी करदे हां मेरे लिए क्योंकि किदे लिए असी करदे हां अगर तुसी किसी नू है ना अच्छी गल आ किसी दे जीवन नू बचाउणा जिद्दां उन्होंने अपने रिश्तेदार दे बारे दस्या क्योंकि जिन्हां नू समझ आ जांदी आ ओह हमेशा ही परमेश्वर दी खुशखबरी नू की करदे ने वंडदे ने इस संसार च की करदे ने क्योंकि उते ज्ञान दी सुगंध लिखिया थाउं थाई की करो खलारदे जाओ ओह कहिंदा सवेरे भी बीज ते शाम नू भी बीज पता नहीं किहड़ा फल लैके आवे किड्डी वड्डी गल आ अगर किसी का जीवन बचाया जाए यूहन्ना बपतिस्मा देन वाला लिखिया जेड़ा किदे वस्त्र पहनदा सी ओ उन्हें किहड़े वस्त्र पहने सी ए पता किसे नू किहड़े किहड़े उन्हें वस्त्र पहने सी किसे नू नहीं पता हैं किदी खल दे ऊट दी खल दे उन्हें कपड़े पाए और उदा भोजन की सी उदा भोजन की सी टिड्डियां ते शहद और कित्थे रहिंदा सी ते जे ओ कहिंदा कि ए काम नहीं मैं नहीं प्रभु कर सकदा ए बड़ा औखा काम ही क्योंकि किहदे लई कर रहा
ਸਮਝਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ, ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਸਤਰ ਸੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਊਠ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਟਿੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਫਰੀਸੀ ਸੰਦੂਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਕਿਸ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ, ਕੌਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਿਹਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਸਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਪਾਏ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਪਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੋਲੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਸਵਾਰਥ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਅਦਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੜਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਂਡੇ ਫੁੰਡੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਔਰ ਆਈ ਔਰ ਬੈਠੀ, ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਔਰ ਜੀਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ
हो चुकी है। मैं क्या इदा कर मैं उन थोड़ा दो चार पांच दस गल्लां दसियां और बोलिया ठीक है मैं चंगियाई करदा तुहानू और कल संगती आ तो शाम नू आना कहिंदे ठीक आ। शाम दी बजाए दो महीने पता नहीं भैन कित्थे आ दो महीने क्योंकि चंगी हो गई आ अगर नहीं होंदी तो जरूर आउंदी क्योंकि प्रार्थना की और प्रभु ने चंगियाई पर दो महीने वो पता नहीं कित्थे आ दो महीने और दो महीने बाद मैनू पता लगा मैनू किसी तो पता लगा कि उन्हू टीवी हो गई की हो गई उन्हू टीवी हो गई आ और पता नहीं बेचारी ने एक बेटी की शादी सी कितों कितों कट्ठा किया सारा कुछ पैसा तेला अपना शादी दे ली समझ आ रही सारे नू समझ आ रही ना तो इकट्ठा किया और पर की हो गया वो सारा किस साइड चले गया। प्रभु ने क्यों आके इस जगत के लोगों को कहा चोर आंदा चोरी करे वड्डे अते नाश करे मैं इसलिए आया कि तुहानू केड़ा जीवन मिले केड़ा जीवन मिले डिग्गा टठा जा टेढ़ा मेढा जा रोंदे रांदे रोन धोने रोने धोने जे वाला रोंदे धोने जे लोग मारे लुटे गए जी हाए हाडी नहीं सुनदा हाए पता नहीं कित्थे प्रभु इदां दा दित्ता तुहानू जीवन। वो कहिंदा चोर आउंदा चोरी करे वड्डे अते मैं इसलिए आया कि तुहानू केड़ा जीवन मिले केड़ा जीवन मिले मैं इसलिए इस संसार विच आया कि तुहानू केड़ा जीवन मिले समझ रहे हो मैनू केड़ा जीवन मिले समझ दियो मेरा मैं पॉइंट ये तुहानू बाद च दसदा पहला मैं उस गवाही नू कंप्लीट करा तुहानू तो जो लोग नहीं जानते उन्होंने उन्हों दियां चीज़ां नू चराउंदा उन्होंने पैसे नू चराउंदा उन्हों दी हर चीज़ नू टाइम नू सारा कुछ हुण पहला टाइम नहीं आ हुण पता नहीं महीना एक हस्पताल रही और 15 दिन जो मैनू पता लगा उदो 15 दिन घर भी हो गए सी और अच्छे भी उदी आवाज़ मंजी दे उपर लैटरिंग बाथरूम करती सी और मैं एक दिन गया और मैं परमेश्वर नूं पुछिया मैं जानता सी क्योंकि एक आदि शिकार है क्योंकि कोई भी बीमारी अगर साढ़े शरीर च आउंदी आ सुनो ध्यान नाल कोई भी अगर समस्या है साढ़े जीवन च छोटी सिर दर्द तो लैके वड्डी तो वड्डी बीमारी हर बीमारी पाप वल्लों आ किहदे वल्लों आ और पाप की है पता है समझ नहीं ना पाप जिवें प्रभु ने कहा इंसान सब तो वड्डा पाप की करदा है इंसान सब तो वड्डा कि उस यहोवा परमेश्वर नू ते उस प्रभु नू की नहीं करदा प्रेम सब तो वड्डा पाप एक सब तो वड्डा पाप आए एक व्यवस्थापक ने पुछया है जिहड़ा जिहड़ा किहदी वचना की शिक्षा देंदा सी समझदे आ कि सब तो वड्डा इंसान पाप की करदा आ जिहड़ा किन्नू नहीं प्रेम करदा समझदे हो किन्नू नहीं प्रेम करदा तुने पुछया और मैं जानदा सी ए किड़े पाप दी शिकार आ और मैं आवाज नहीं सी निकल रही ओदी बिल्कुल हल्की जी आवाज आउंदी मैनू बोलिया मेरे हाथ विच अपना हाथ रखो और वादा करो और मन फिराओ कि परमेश्वर मैनू माफ कर अगाह तो मेरा जिन्ना भी जीवन आ सुनो तो सुनो सुनो सारे ध्यान ना अगाह तो मैं ये भी एक टेस्ट मनी है मेरे हाथ ते हाथ रखो और बोलो कि मेरा जेड़ा बाकी दा जीवन आ मैं प्रभु तेरे विच जीवांगी मैं एक वादा करो ये मेरा हाथ नहीं है कि दा हाथ आ ते तुसी अपना हाथ की दे विच दे के वादा कर रहे हो कि दे नाल वादा कर रहे हो और मैं जिवें कहा मन फिराओ और बोलो कि परमेश्वर मैनू माफ कर मैं तेनू जानदे हुए भी जो करना सी उदां कीता मैनू माफ कर की कर मैनू मैनू माफ कर परमेश्वर जिदा मैं समझने और मैं सिर्फ हाथ ही रखाया
और उदे पाप तो मन दी माफी नू फराया उदे मन नू। बस इन्ना बोलिया, हीलिंग नहीं दित्ती, क्योंकि परमेश्वर दा आत्मा जानदा वह किवें किवें चंगियां करदा है। यीशु ने सारे अन्यां नू इको जिहा नहीं चंगा, इको जिहा नहीं चंगा कीता, बस मन फिराया और बोलिया जाओ अज तो तुसी चंगे जे। किन्ने दिन तो मंजी ते सी, उही भैन सवेरे अपे उठी, उठ के जड़ी 15 दिन लैटरिन बाथरूम, और किथे गई बाथरूम दे विच, अपने आप उठ के गई, जड़ा बंद आवाज ही वह भी गला खुल गया, सिर्फ किस पा केड़े पाप वालों अपने मन नू फिराउन तो। नहीं समझ आई किस केड़े पाप तो मन नू फिराउन नाल? अपने आप वो सवेरे उठी, गला भी खुल गया और सब कुछ गया। पर जीवन नू फेर समझ, जीवन दे वचन दे उपर फेर चल उस तरह नहीं रही। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ज्ञान बिना नाश होती। क्या मेरी प्रजा? क्योंकि जिन्हें नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है कि असी अगर सानू प्रभु ने बुलाया तो असी की करना की है, उदी की इच्छा है। छोटी गल है, एक बंदे नू इन्ने दिन तो मंजे ते आ और सिर्फ उदे पाप दे मन तो फराया और बोलिया कि जाओ, और उस रात प्रभु नू की कर रहा, आजाद कर रहा उस पाप तो। छोटी गल है, सुस्त हो गए लगते योर से बोलो हालेलुया। सुस्त नहीं होना कभी भी प्रभु दियां गल्लां नू सुन दे, मन लग जांदा तुहाडा, मैनू पता है क्योंकि हर बंदा बैठा, क्योंकि कईयां दे कई इस कई हो सकता इदां भी होण विचारे, बहुत सारे समझदे हो, मन लगदा आ कि मैं भी तो समझदे आ, पर परमेश्वर तुहानू बहुत प्रेम करदा आ। कि करदा तुहानू? तनु बड़ा प्रेम करता है, समझ नहीं, बहुत प्रेम करता है। ओके आओ सी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी लई असी वर्शिप विच जावांगे, एक और असी वर्शिप सॉन्ग विच प्रभु दी महिमा नाल अपने आप नू उदी रूह अते आत्मा नाल परांगे, और इन सब गवाइयां दे लई तारीफ करांगे योर से। सब दुखिया बीमारो सारे जग दे लचारो, 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 लोके समना गुजारो दे कोले आजो, लोके समना गुजारो दे कोले आजो, लोके समना गुजारो दे कोले आजो, राया हुदिया गुजारी
फिराओ, अपने मन नु फिराओ उस पाप तो, और उस दया दे ले अपने मन नु तैयार करो अज। एक फैसला लो प्रभु नाल अच्छा जीवन जीन दा, ताकि उदी दया तुहाडे उपर सदा बनी रहा रहे, उदी दया उदा प्रेम तुहाडे नाल सदा बना रहे। फिराओ अपने मन नु और अच्छी दा फैसला लो। Baby।
तो की आ जाओ दे कोल आ जाओ बैठ जाओ। किन्ने लोग चाहते ने कि परमेश्वर मेरा छुटकारा अपने वचन दे द्वारा कर, मेरा छुटकारा अपने वचन दे द्वारा कर, क्योंकि परमेश्वर ने लिखिया अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व किन्नू दिता अपने वचन नू। और जो वचन दियां गल्लां नू मनदा और मनन करदा उन्होंने याद करदा उन्हें पूरियां करदा वह कदी भी धोखा धोखा नहीं खाता, कदी नहीं धोखा खाएगा। धोखा कौन खाता जेड़ा किदा वचन नहीं सुनता और किदा वचन नहीं पूरा करता, वह खाता धोखा। समझदे हो जेड़ा सुनदा ते करदा है। क्यों प्रभु ने कहा कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, जिसके कान हो वह सुने। तो सब दे कान ने, सब सुन दे नहीं, पर सुन के कौन कौन पूरिया कर रहा, समझते हो? सुन के कौन कौन उदे वचन नू पूरिया कर रहा। आओ अपनी अखां बंद करो कि बोलो परमेश्वर अज तेरा पवित्र कलाम दियां गल्लां मैनू समझ आन, अज ओ मेरियां मेरे मन दे उपर ओ सारियां गल्लां लिखियां जान। अज दा वचन मेरे जीवन च 100 गुना फल लेके आए, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन ही मैनू जीवन देंदा छडाउंदा आ और मैनू हर उस पाप तो बचाउंदा। इसलिए परमेश्वर मैं अपने मन नू तेरी तरफ लगानी आ। अज मेरा मन खुल जाए तेरे वचन दे लई, कोई अंधकार दियां शक्तियां अज ते वचन नू चुराए ना। अज मेरा तेरा वचन मेरे जीवन च फले, यीशु मसीह दे समर्थी नाम से आमीन। और सुनो, परमेश्वर तो हमेशा ही सिखांदे रहेंगे, की करते रहेंगे? सिखांदे रहेंगे, हर समय सिखाएगा परमेश्वर। पर सीखी हुई तो सानू की मिलना चाहिए? लाभ भी मिलना चाहिए। अगर सानू लाभ नहीं मिल रहा तो तुहानू ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि मैनू सुन तो बाद की नहीं मिल रहा लाभ। अगर तुहानू सुन तो बाद लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन लाभदायक आ। दाऊद परमेश्वर का जन कहता सोने दियाँ हजारा मोहरां नालों भी की आ। सुनो सुनो, सब ध्यान करो, एक दूजे नू लाओ, सुस्त ना हो सारे, अपने कल नू मेरी तरफ लगाओ सारे, सारे ध्यान करो, चौकस हो जाओ। तेरा वचन सुने दियाँ हजारा मोहरां नालों भी की आ उत्तम आ। समझ हो? और जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का वचन जाता है, कि जाता है वचन जाता और याद करता है और अपने मन के अंदर पैर रखता है, डर रखता है, और जिन्हों कोई पैर नहीं उन्हों कोई डर नहीं है, वो अंदर वचन अचे जा। क्योंकि जेड़ा इंसान सुन वचन नू सुनदा और दे अंदर एक पैर आ, एक डर आ, बोलो कि उहदे अंदर, अगर वो समझदे हो पै डर की आ। और परमेश्वर ने की किया, अगर तुसी 34 जबूर पढ़ो दी 7 च लिखिया, परमेश्वर अपने डरन वालियां दे दुआले दूतां दे डेरे लगाउंदा, जेड़े कीदा वचन नू सुन तो बाद अपने जीवन च पैर रखदे ने, डर रखदे ने, उहनां दे दुआले दूतां दे वी की करदा डेरे लगांदा आ। समझदे हो? जेड़ा सुन के पैर रखदा आ, समझदे हो? और जिन्नू कोई डर नहीं आ, बोलो जिन्हों कोई डर, वो जो मर्जी करी जाता, जो वो मन च आता वो करी जाता, जो मन च आ रहा वो करी जा रहा, दिल करता आ गया नहीं आ गया, किता नहीं किता, कोई गल्लां मनिया नहीं मनिया, समझ दियो?
पर फसदे भी इंसान ओही ने, फसदे भी इंसान ओही ने जेड़े इंसान परमेश्वर दा पै अपने जीवन च नहीं रखते। समझते हो? क्योंकि परमेश्वर दा पैर रखना, उदा डर रखना अपने जीवन च सब तो वडमुल्ला वडमुल्ली गल आ साडे दे लई, हर एक दे लई जो उहदे राज उहदी सच्चाई च बुलाया गया और उहनू किवें दा होना चाहीदा परमेश्वर नाल, उहनू अपने आप उहनू उहनां गल्लां नू उहनू वाकब होना पएगा उहनां गल्लां तों कि मैं किस तरह दा होना आ प्रभु दे नाल, मैं किस तरह दा मैं बनना उहदे नाल। समझ रहे हो? क्योंकि कई लोग सोचते ने, बोलो की करते ने, कई लोग सोचते ने कि शायद परमेश्वर सानू वेखदा, वो हर एक नू वेखदा। तुसी की कर रहे हो? तुहाडे मन च की चल रहा है? वेखदा कि नहीं वेखदा? तुसी मेरे लिए की करते हो? किस मन ना लाए हो? क्योंकि परमेश्वर तो लिखिया कुछ भी छिपया सृष्ट का सब कुछ उहदे सामने की आ खुला पिया है। अगर तुसी किसी नाल वैर करते हो, चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, कुछ भी करते हो, कौन तुहानू वेखदा? और सब तो वड्डा पाप ते तुसी बुरियाई कर रहे हो। अगर अगर तुहानू तुहाडे मन च परमेश्वर दा पैया ते तुसी डरोगे, ना 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 भई ये काम नहीं करना, ये परमेश्वर दे सन्मुख ये किरना योग आ गल, मैं ये गल करनी, तुहानू पता लगेगा कि किरना किरना योग आ। बोलो की आए, मैं ये नहीं, ये कम नहीं करना मैं कम, क्योंकि पाप आए। और जिहदा जिहड़ा इंसान मन च सोचेगा और वो पैर रखेगा और उहदे वचन नूं भी पूरा कर रहा, उहदे वचन नूं की कर रहा, वो पूरा कर रहा, क्योंकि उहनूं पता आ ये बुरियाई आ, ये पाप आ, ये परमेश्वर दे सन्मुख किरना योग गल आ, मैं इस तरह करना, मैं इदा नहीं करना। समझ रहे हो? और उही लोग एक सब चीज़ा करते ने जिहड़ा किहदा डर नहीं रखते, किहदा पैर नहीं रखते। समझते हो? एक नशा करने वाला बंदा अगर प्रभु च आ गया है तो जे अजे भी कर रहा फिर उहदे मन च पै, अगर चोरी कर रहा उहदे मन च पै नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। की कर रहा? अगर वो कुछ भी अजकल फोन के उपर बड़ा कुछ आता है, बड़ा गलत सब कुछ आ, अगर वो जान के भी सच न, अगर अज भी वो जीवन चो चीज़ा है तो अजे वो मन च कोई पै वह डर नहीं है, क्योंकि वो सोचता कोई गल नहीं है, इदा ही है। समझते हैं? और जिथे पाप आ उथे परमेश्वर, क्योंकि होली स्पिरिट जदों आदम ते हवा ने पाप किया कि नहीं किया, छड़ गया आत्मा उन्होंने जिस दिन उन्होंने किसी गल नू तोड़िया। अगर तुसी परमेश्वर दीआं गल्लां नू अपने जीवन चो तोड़ोगे, नहीं पूरियां करोगे, तो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा तुहाडे नाल नहीं रहेगा। फिर तुसी जिन्ना भी पुकारो, फिर तुहानूं लगना परमेश्वर साडी सुनदा क्यों नहीं है, क्योंकि पाप कर रहे हो, तुहाडे मन च कोई डर नहीं है, पवित्र आत्मा तुहाडे साथ नहीं रहेगा। इसलिए जदों आदम ते हवा ने परमेश्वर की आग्ञा नूं तोड़िया, इत्थे लैणा लगियां पईआं, की लगियां पईआं ने, मैं एक आग्ञा कह रहा, आदम ते हवा ने सिर्फ इक्को आग्ञा नूं तोड़िया और परमेश्वर नूं छड्ड के, छड्ड गया कि नहीं छड्ड गया? इत्थे मैं कह लाइना लगियां पईआं, लाइना आग्ञावां नूं तोड़न दीआं। समझदे आ? मैं 25 हुक्म असीं लिख के दिते सी ना हर एक नूं, जिन्हों नहीं आ, जिहदे कोल नहीं आ, क्योंकि उहदे विच कुछ आग्ञावां लिख के दित्तियां। 25 हुक्म दे विच की दित्तियां मैनूं देना, फिर तो पेज च इत्थे पिया सी, असीं जाणांगे, क्योंकि छोटियां गल्लां जद तक तुसीं सिखोगे नहीं, वड्डियां नूं समझ, जब तक तुसी छोटियां नहीं सीख पाओगे, तुहानूं पता जिहड़ा बच्चा नलायक आ, जिहड़ा बच्चा नलायक आ, स्कूल वाले उन्हूं अगले साल भी पहली क्लास च रखते हैं, पता कि नहीं पता? अगर
पहली चो पास, चलो कर करा के पहली चो पास हो गया, थोड़ी वड्डी क्लास चले गया, अगर वो इस तरह चले गया अगे छोड़ा, अगर पंजवी पंजवी क्लास तक चले गया, पर अगर वो पंजवी च जाके भी वो बंदा नहीं बनिया, वो अज भी ओदियां ओही हरकतां ने, ओही सब कुछ कर रहा, वो अजे भी वो ये नहीं सोच रहा कि मैं अगे चार साल मैनू पता नहीं मैनू किदां मैं पास होया, पर पंजवी च आके भी अपनियां वो हरकतां ते फिर वो बार बार समझदे हो बार बार नहीं होना, फिर की होएगा वो फेल होएगा, फिर पता नहीं पंजवी क्लास विच वो किन्ना समा कटेगा, क्योंकि अगर वो ध्यान नहीं देवेगा अपनी पढ़ाई ते, बोलो ते हो सकता वो साल बाद भी की होवे फेल। इस सच दे अंदर आके लोग छे महीने साल तक भी प्रभु नूं जान के भी उनके जीवन च बहुत सारे काम हुंदे ने, हुंदे कि नहीं हुंदे, हुंदे ने, क्योंकि जिहड़ा भी प्रभु दे कोल आउंदा आ उहदे जीवन च उह की करदा अपने कम्मां नूं पूरियां करदा आ, समझ रहे हो। तो छे महीने साल एक साल बाद भी दो साल बाद भी जिवें अगर वह बच्चा नलायक आ, वह ध्यान नहीं दे रहा अपनी पढ़ाई ते, उन्हां गल्लां नूं समझ नहीं रहा, टीचर की गल नूं फॉलो नहीं कर रहा, अपने टीचर की गल नूं वो कह रहा ओए पढ़िया करो पढ़िया करो, मैं तैनूं कहना तुसीं फेल हो जाणा, वो इधरों सुन दे ते इधरों, और जदों समा आया तो सच्ची की हो गए, क्योंकि अपने टीचर की गल नूं, क्योंकि टीचर दी टीचर वालों कोई भी समझ रहे हो, टीचर वालों क्योंकि टीचर अपना काम की कर रहा पूरा कर रहा, पर अगों बच्चा इधरों सुन रहा और इधरों कढ़ रहा, और की होया वो कह रहा वो मैं क्या पढ़ लो तुम फेल हो जाना, मान लो मेरी गल नूं बन जाओ बंदे, पर अगला साल आया तो की होया जदों समा आया पास होंदा तो की होया फेल, एक साल बाद भी की होया। ताही कई लोग प्रभु दे विच साल सालों साल भी महीने महीने भी फेल होंदे ने, क्योंकि किदियां गल्लां नूं पूरियां नहीं करदे, बोलो अगर उन लायक आ ते चाहे वह पंजवी च दो साल ला दे तीन साल ला दे की ला दे स्कूल उन्हूं पंजवी च ही रखेगा, छेवीं च लैके उन्हूं पंजवीं च ही रखेगा, उत्थे ही रखेगा, चाहे वह दो साल पंजवीं च लावे भावें तीन साल। इस तरह ही प्रभु दे विच लोक ने जिहड़े आउंदे ने जिहड़े समझ के किदियां गल्लां नूं अपने जीवन च पूरियां, क्योंकि उन्हां दे अंदर किहदा पै नहीं आ, किहदा डर नहीं आ, समझदे आ। वह छे महीने बाद भी साल बाद भी उदां दे ही आ, दो साल बाद भी उदां ही आ, उन्हां ने कोई उहदी आग्या उहदी इच्छा नूं पूरा तो बाद च की होंदे ने फेल होंदे ने, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू बुलाया अपने राज विच पास करन दे लई। परमेश्वर दास पौलुस जी ने की किया, इस दौड़ विच जिन्ने भी दौड़दे ने सारे की पाउंदे ने, बस तुसीं किस तरह दौड़ो उन्हें किया कि नहीं किया, क्योंकि संसार की दौड़ विच तो फस्ट सैकंड ते थर्ड आउंदे ने, इह पर परमेश्वर की दौड़ आ, इहदे विच सारे दे सारे की होंदे ने, पर किस तरह दौड़ रहे हो किस तरह चल रहे हो, पहला अपने आप को चेक करो, अपने आप को जानो, की करो अपने आप को जानो। ये बड़िया ही छोटिया छोटिया गल्लां मैं चाहुंदा ते सी तुहानू परमेश्वर दीआं कुछ खास महत्वपूर्ण आत्मावां दीआं गल्लां दसां, पर अजे तुसीं छोटिया छोटिया गल्लां दे विच की नहीं हो रहे, छोटिया गल्लां च अजे पूरे नहीं उतरे, क्योंकि हुण तक तो है ना पढ़ाई तो दसवीं की चलनी चाहिए सी, पर मैनू फिर अज पंजवीं की शुरू करनी पै रही है, हुण तक तो दसवीं प्लस टू बारहवीं की पढ़ाई दे सबजैक्ट चलने चाहिए, वह गल्लां चलनियां चाहिए, पर अज भी असी पंजवीं क्लास दीआं गल्लां क्योंकि अजे शायद नहीं है, समझदे हो। इहदे अंदर छोटिया छोटिया गल्लां लिखिया आ, समझदे हां, इहदे अंदर हुक्म लिखे ने, और मेरी वल्लों नहीं आ, किन्ने दिते आ, और जिन्हां ने अपने घर विच लगाए ने कि लगाए ने, और रोज इहनूं वेखो कि करो उहनूं रोज वेखो कि इहदे उपर की लिखिया, और फिर तुसीं चैक करो अगर तुहाडे जीवन च किहदा पै आ, डर आ, ते तुसीं इह सारियां ही रैड पैन लैके
एक एक करके टिक मारे करते जाओ इन्हां विच वेखो केड़ी केड़ी चीज़ तुसीं पूरी कर रहे हो। मैं क्या तुहाडियां बंबारियां तुहाडे हालात तुहाडियां समस्यावां मैं वादा करदा तुहानूं उदां ही छड्ड के चल जाणगियां जदों ये गल्लां तुहाडे जीवन च पूरियां। सच्ची गल है, बोलो की आ, तुहाडियां बंबारियां तुहाडियां मुश्किलां तुहाडे कर्ज हर प्रॉब्लम तुहाडी इन्हां गल्लां नूं पूरा करन तो बाद उदां ही तुसीं हील हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, क्योंकि तुसीं अपने मन नू उस पाप तो फरा रहे हो, अपने मन तू की कर रहे हो फरा रहे हो और डर रहे हो कि नहीं ये वचन परमेश्वर दा आ, मैनू परमेश्वर कह रहे आ, मैं शब्द नहीं मेरे जीवन चो पूरा रहा, मेरे जीवन च आ भी नहीं हो रहा, आ भी नहीं हो रहा, मैं आ भी नहीं चीज़ अजे कर रही, मैं इदा भी नहीं कर रहा। तो जो तुसीं करना शुरू कर दोगे कि वचन जा रहा, सब दे अंदर वचन जा रहा, जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन, जोर से आमीन। तो सुनो, क्योंकि अगर जे तुहाडे जीवन तुहाडे मन दे अंदर वचन जाएगा और जगह लवेगा बैठेगा तो वह फलां नू पैदा करदा, किनू पैदा करदा, फलां नू पैदा करदा, फलां नू, समझदी आ। इहदे अंदर बड़ियां छोटियां छोटियां गल्लां रोज़मर्रा दियां जिंदगी दियां साडे जीवन दियां जिहड़ियां असीं चुणियां आ किहदियां इच्छां नूं पूरा करन दे लई छोटियां छोटियां गल्लां लिखियां। अगर तुसीं इहनां सारियां गल्लां ते खड़े उतरो कि उतरो और तुहाडे मन च किहदा भय बणिया रहे, किहदा डर बणिया रहे, तो कौन नहीं छू पाएगा, शैतान तुहानूं छू भी नहीं पाएगा, शुभ भी नहीं पाएगा। मैं क्या अंदर ते आना तुहाडे जीवन दे अंदर आके तुहाडे शरीर दे अंदर आके काम करना उहदी दूर दी गल, उह तुहानूं शुभ भी नहीं पाएगा, समझदे हो। जदों किहदा पै तुहाडे अंदर बणिया रहे, किहदा पै, समझदे हो। और जिहड़े नहीं जाणदे जिन्हां दे लई आम गल आ, बोलो की आ, जिन्हां दे लई परमेश्वर का वचन आम गल आ, वह ठीक है, कोई गल नहीं, क्या बोलो, वो कोई नहीं आ, टाइम लगेगा तो देख लाँगे। फसते भी उ ने कि जुगतियां च फसते ने, वो जुगतियां च भी उ फसते ने और फिर फेल होंगे ने, कि होंगे ने, अपनी उस गलों चो फेल होंगे ने, वह कभी पास नहीं होंगे, वह 6 महीने साल बाद भी 2 साल भी उत्थे दे उत्थे ने, जबकि 2 साल बाद बच्चा की कुछ सीख जाता है छोटा बच्चा, पर 2 साल बाद की आ अजे भी, क्योंकि किदियां गल्लां नूं सुन तो बाद उन्होंने किदा पै नहीं अपने जीवन च रखिया, डर नहीं रखिया कि मैनू कौन कह रहा, मैं इस तरह नहीं करना, मैं इदा, क्योंकि जो मैनू परमेश्वर ने कहा मैं की करना, मैं पूरियां करना, समझदे हां। मैं इसे लिए बुलाई गई हाँ, मैं बुलाया गया कि मैं उसकी हर गल नूं सुन तो बाद की करना, पूरा करना है। और जिहड़े लोग करदे ने, समझदे हो, अपने आप वो प्रगट हो जाएंगे, करन वाले अपने आप की हो जाएंगे, ने प्रगट हो जाएंगे इस जीवन च, इस संसार विच, जो प्रभु ने कहा पेड़ अपने फल तो, तुसीं अपने आप प्रगट हो जाओगे इस संसार विच। वो चानण जिहड़ा हनेरे च चमकदा, जदों तुसीं किहदियां गल्लां नूं पूरा करना चाहोगे वो तुहाडे जीवन च भी वो चानण चमकना शुरू हो जाएगा और तुसीं प्रगट हो जाओगे, पता लगेगा कि तुसीं किहदे लोक हो। बोलो, फिर तुसीं हाए हाए करन वाले, फिर तुहाडे गुआंढी तुहानूं पुछणगे हाँ जी जी तुसीं कित्थे जांदे हो, तुहाडे तां इदां हुंदा सी, तुसीं तां बड़े इस तरह सी, पुछणगे कि नहीं पुछणगे। वचन च लिखिआ तुहाडी आशा दे विखे, क्योंकि तुहाडा परमेश्वर की आ आशा दा दाता आ, जिहड़ा तुहानूं सब प्रकार के आनंद ते शांति च की करदा, परिपूर्ण करदा। फिर लोग तुहानूं पुछणगे उस तुहाडी आशा दे विखे जिहड़ी आस तुसीं लै के किहदे कोल इत्थे आउंदे हो, आउंदे कि नहीं आउंदे, बिना आस दे कोई भी इत्थे आउंदा, क्योंकि हर एक इंसान दे बैठे दे अंदर एक आस आ, एक विश्वास आ, कि समझदे हो कादे नाल जीने असीं, एक आस ते एक विश्वास नाल जीने, समझदे हो। तो जिन्हों आस नहीं है जिन्हों विश्वास नहीं है उसका मतलब भी कोई नहीं है, समझते कि नहीं समझते। जिन्हों आस नहीं है, जिवें अब्राहम एक आशा दे नाल जिया,
अब्राहम समझने अब्राहम दी क्यों विश्वास का पिता कह आ गया क्योंकि ये अंदर कि आस आ गई समझने और कि विश्वास से और इन्ने साल तक भी वो उस आशा के नाल कि जिंदा रहा और जो जो परमेश्वर कहते रहे वो सब कुछ उन्हें कहा ये छड़ दे देश इतने चल जा ये कर इदा कर जो जो परमेश्वर ने कहा उन्हें उदा कि असं कर रहे हैं उदा तुसी चेक करो अपने आप कि असी कर रहे हो उदा जिदा परमेश्वर कह रहे हैं समझ रहे हो अगर कर रहे हो तो अपने आप में सो देखो चेक करो समझ रहे हो अगर करोगे तो तुहाडे जीवन च किहदा फल आएगा किहदा फल आएगा क्योंकि परमेश्वर तुहानू अनाथ अनाथ नहीं रखेगा अनाथ समझदे ना अनाथ अनाथ नहीं रखेगा तुहानू तुहाडे जीवन च वह फलां नू की करेगा पैदा अनाथ नहीं रखेगा तुहानू तुहाडी तुहानू हर फल नाल तुहानू हर फल नाल वह परिपूर्ण करेगा और इस दुनिया च प्रकट करेगा अगर तुसी किहदा वचन सुन के उहदा पै उदा डर जे रखते हो समझते हो अगर तुहाडे अंदर किहदा पै आ डर आ अगर तुहानू पता परमेश्वर की हजूरी का समा इन्ने बजे का आ बोलो की आ अगर तुहानू पता परमेश्वर की हजूरी का समा अगर तुहाडे अंदर उदा पै आ ते तुसी दौड़े चले आओगे क्या आओगे दौड़े दौड़े चले आओगे अगर कुछ नहीं है कोई गल नहीं है क्योंकि परमेश्वर डराउंदा है क्योंकि डराउंदे नहीं अगर डराउंदे होण संसार वांगू तो फिर सब पता नहीं समझदे हो फिर बाबा कोई सियाणा बाबा तुहानू समझदे आ नेरे चार बजे जां पांच बजे भी कहिंदे जाओ नहर दे कंडे जाके इदां करियो लोक करदे ने करदे कि नहीं करदे पांच बजे जाके भी अपने जीवन दे चंगे होण दे लई की करदे ने सारा कुछ ठीक है इसलिए है ना असी गल्लां तो नहीं लिखिया करनिया तो जाने खाली गल्लां तो नहीं असी करनिया तो करके दिखाईए समझदे हां करनिया तो मैं सब कुछ कर अपने जीवन च कीता अगर इदा नहीं है कि मैं अज मैं तुहाडे तो समय तो इदा हां अगर तुम सत्त बजे भी कहोगे तो मैं इतने की हो जावगा हाजर मैं हाजर मैं सगा तो मौजूद होवगा मैं सत्त बजे भी अगर पहुँचना तो मैं पहुँच जावगा मैनू कोई आपत्ति नहीं है मैनू कोई भी संकोच नहीं है समझते हो क्योंकि मैनू कोई तूफान कोई हनेरी कोई रोग नहीं कोई तकलीफ नहीं अज तक मैनू कोई चीज़ कितने तो परमेश्वर तो रोक नहीं सकी समझ रहे हो क्योंकि मेरे अंदर किदा पै आ किदा डर आ पै डर का मतलब की आ की मतलब पै और डर नू असी परमेश्वर की भाषा विच की बोलते हैं पै और डर नू परमेश्वर की लैंग्वेज असी की बोली दी उहनू की बोलते हैं पता सारे नू पै और डर नू परमेश्वर की जिहड़ी लैंग्वेज आ उहदी भाषा असी की बोलते उहनू की बोलते हैं की बोलते हैं नहीं सब बोलो जे पता है की बोलते हैं की बोलते हैं जिन्हें नहीं पता वो बेचारे की बोलन समझते हैं जिन्हों परमेश्वर के पैदा डर का नहीं पता वो की बोलन बेचारे क्योंकि उन्होंने करके नहीं वेख्या अगर होवे ते वो उच्ची सारी बोलन जिन्हों पता वो बोलता है इसलिए लिखिया परमेश्वर दास पौलुस ने कहा मैं विश्वास किया मैं इसलिए बोलता हाँ मैं विश्वास किया मैं इसलिए बोलता हाँ अगर तू विश्वास किया सारिया गलों मनिया तो पूरा किया तो तु उच्ची उच्ची दे के बोलना है कि पै और डर का मतलब की आ आदर सब बोलो आदर। सब बोलो उच्ची आदर तुम कि आदर करना कि आदर करना है समझते हैं ये परमेश्वर की भाषा है पै और डर इस संसार की लैंग्वेज है पै और डर पर परमेश्वर की लैंग्वेज जड़ा उदा प्रेम आ है शब्द आदर ते तुसी परमेश्वर की आदर दे ली कि दे उदे आदर दे ली तुसी सब कुछ की करना सहना आ सब कुछ पूरिया करना की करना सब कुछ पूरिया करना आ
क्योंकि उन्हें तुहानू की किया सब तो पहला उन्हें प्रेम किया कि तुसी किया आ तुसी किया प्रेम कि उन्हें किया आ अगर मैं एक एक बंदे नू लाइन वाइज पूछा समझते हो जड़े अज जां पहली बारी आए मैं उन्हां दी गल नहीं कर रहा जिन्हें जाणिया जिन्हें प्रभु ने जिन्हें विश्वास किया अगर एक एक नू पूछा जाए हाँ जी दसो जी तुसी प्रेम किया कि उन्हें किया वह दसनगे कि नहीं उन्हें किया मैं तो इदा सी मेरे जीवन च तो इदा इदा सी पर उस प्रेम नू जिवें दाऊद परमेश्वर जाने कहा मैं उहदे एक भी उपकार नू भुलदा मैं चेते करदा मैं याद करदा मैं रोज चेते करदा और धन्यवाद करदा नहीं परमेश्वर अगर तू ना मैनू चुनदा समझदे हो हाय मैं पता नहीं अज मैं पूरा दिन सवेर तो लैके शाम तक रात यही कुछ बोलदा है कि करदा हां कि परमेश्वर अगर तू मेरी चोन ना करदा पता नहीं अज मैं होना भी कि नहीं होना पता नहीं मेरा जीवन किदा का होना सी इस संसार विच बड़ा ही धन्यवाद है परमेश्वर तू मैनू चुन लिया मैनू बचा लिया क्योंकि साड़ी योग्यता कि वालों समझते हो जिहड़ा भुलदा नहीं है एक निक्की तो निक्की छोटी तो छोटी गल नू ओ भुलदा ओ चेते कर रहा रोज चेते कर रहा अपने जीवन के बारे और जिहड़ा चेते करदा ओ उहदे च वाधा आ जिहड़ा चेते नहीं करदा ओ नहीं उच्च वध सकदा ओ उच्च नहीं वध सकदा और जिहड़ा चेते करेगा उहनू ओ प्रभु वधावेगा जिहड़ा चेते करेगा रोज उहदियां गल्लां नू और उही करेगा जिदे अंदर किदा डर आ किदा पै आ समझदे आ क्योंकि दाऊद के अंदर तुहानू पता दाऊद के सामने परमेश्वर के दास दाऊद के सामने उन्हें एक राजा के जगह पर दूजा राजा चुनिया जाना सी क्योंकि उन्हें किन्ने चुनिया परमेश्वर ने और उहदा दुश्मन एक दिन उहदे सामने सी किसी और दूसरा राजा उहदे सामने सी और किसी ने खबर दिती कि तेरा दुश्मन ने हत्ताया आ जा ते उते वार कर वो कहिंदा नहीं मैं इस तरह मैं परमेश्वर दे अभिषिक्त किते हुए दे उते ए कम क्योंकि किदा पैया सी किदा डर सी उहदे अंदर समझदे हो उहने इदां कीता उहने इदां नहीं कीता जिवें अज लोग करदे ने जिवें अज लोग करते हैं मैं कह रहा एक आग्ञा तोड़ी आदम ते हवा ने और परमेश्वर ने छड़ दिता सिर्फ एक आग्ञा कि वह फल नहीं खाना छड़िया कि नहीं छड़िया परमेश्वर ने छड़ता ना इत्थे किन्नियां छोटियां छोटियां आग्ञावां ने जड़ियां तुसी रोज तोड़दे हो अपने जीवन च जब तक तुसी उन्हां गल्लां नूं पूरियां नहीं करोगे मैं क्या कितने भी चल जाओ कितने भी चल जाओ जब तक तुसी ओ पूरा करने वाले नहीं बनोगे की बनोगे पूरियां पूरियां करने वाले नहीं बनोगे कितने भी चल जाओ कुछ भी होने वाला तदों ही होएगा जब तक की आ समझदे हो अगर बंदा बंबार आ संसार की गल आ अगर मेडिसन इंजैक्शन नहीं लगेगा तो चंगा इस तरह ही प्रभु दियां गल्लां ने परमेश्वर दियां अगर जब तक तुसी उन्होंने पूरिया नहीं करोगे मैं क्या कितने भी चल जाओ प्रभु यीशु मसीह ने एक जवान नू आया और वो भी पुछदा कि प्रभु मैं तेरे राज नू पाउण दे लई की करा उन्होंने भी की आख्या आग्ञावां नू मन उन्होंने पुछया केड़िया केड़िया वह कहिंदा ए सब कुछ वह कहिंदा ये तो मैं सब करदा आ वह करदा भी सी वह कहिंदा हुण मेरे च केड़ी गल दा घाटा आ फिर एक आग्ञा परमेश्वर ने उन्हें दिती कि अपना सारा माल वेच दे मेरे पिछे आ जा ते तेनु स्वर्ग विच की मिलेगा वड्डा धन मिलेगा वड्डे धन लई बुलाए गए तुसी ओ बुलाए बुलाए गए पर लिखिया उन्हें उन्हूं वो गल पची नहीं प्रभु की गल जिवें सानू भी पचदियां नहीं आ कि नहीं पचदियां उन्हें कहा सारा माल वेच दे ते कंगाला नूं वंड दे मेरे पिछे आ जा तेनू स्वर्ग च वड्डा धन मिलेगा उन्हूं पचिया नहीं उन्हूं प्रभु की गल पची नहीं और छड के चले गया छड के चला गया ते पा लिया जीवन उन्हें जिन्नियां तुसी गल्लां छड रहे हो तुसी जीवन नूं नहीं पा रहे तुसी प्रभु तो दूर हो रहे हो कि हो रहे हो प्रभु तो दूर हो रहे हो ना पूरे करते हो उहदियां गल्लां नूं पूरे मैं दावा करदा मैं फिर कि अगर तुसी परमेश्वर दियां आख्यावां उहदियां गल्लां नूं पूरा करन वाले और तुहाडे अंदर उहदा पै सदा बणिया रहे
कि मैनू परमेश्वर वेखदा, मैनू मैनू की करदा, मैनू मैनू वेखदा आ। मैं इस तरह जिहड़ा बंदा अज आया मतलब की आ और कल नहीं आया वो जीवन पालेगा, जिहड़ा 10 दिन पहला आया जां महीना पहला आया जां एक वारी आया जां दो वारी आया वो पालेगा इस जीवन नू। बच्चा एक साल एक क्लास विच एक साल तक मेहनत करता रहिंदा फिर जाके की हुंदा पास हुंदा है, हुंदा कि नहीं हुंदा, समझदे हो, हुंदा कि नहीं हुंदा। पर जिहड़ा अज आया और सोचे कल, इत्थे बहुत सारे आए, इत्थे पिछले दिनी एक औरत आई उहदे बहुत उहनूं प्रॉब्लम सी, की सी, एक बच्चा एक दे 22 साल हो गए शादी नूं उहदे कोल बच्चा नहीं सी, उह दो वारी आई पर उहनूं उहदियां गल्लां पचियां पचियां नहीं, पचे नहीं वचन उहनूं, दो वारी आई सिर्फ, 22 साल हो गए शादी नूं बच्चा नहीं है और पता नहीं अज कित्थे है। एक भैन दे थोड़े दिन पहलां इत्थे एक दो वारी आई, उहदे भी प्रॉब्लम सी, उहदे भी दर्द सी, क्योंकि तीरस तरना भी की आ, बोलो की आ, तीरस तरना भी जरूरी आ, तीरस तरना भी, जिहड़ा इंसान तीरस नहीं तरेगा वो पालेगा इस जीवन नू, क्योंकि तीरस तरना की आ जरूरी है, और जिहड़ा किहदे वचन नाल जीवेगा और किन्नू खाएगा रोज रोज, किहदे वचन नू खाएगा, खाओगे तो अगर खा नहीं रहे, रोटी खाने आगे नहीं रोज, प्रभु ने की किया सी, रोटी नालों की है जरूरी ज्यादा, बोलो समझ आ रही है सारे नू, समझ आ रही है, समझ आ रही है, रोटी नालों ज्यादा जरूरी की है। अगर तुसी रोज खा रहे हो, रोज चेते कर रहे हो, दाऊत मंगू रोज चेते कर रहे हो, रोज अपने जीवन के कम्मां नू जिहड़े तुहाडे जीवन च प्रभु ने किए आ तुहानू वधाउणगे, बहुत वधाउणगे तुहानू अगे, जे तुसीं रोज़ चेते करोगे कि मेरे जीवन च इदां सी, मेरे नाल इदां सी, मैं प्रॉब्लम च सी, मैनू ऐ मुश्किल च सी, तुसीं रोज़ चेते करोगे तो वधदे जाओगे, फिर तुसीं दूर नहीं होगे, चेते करन दा मतलब लिया तुसीं किहदे नेड़े जा रहे हो, रोज़ चेते करन दा मतलब लिया कि तुसीं किहदे नेड़े जा रहे हो, परमेश्वर दे नेड़े, जदों परमेश्वर दे नेड़े रहोगे तुसीं फैसला करो, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ आएगी, आएगी कोई तकलीफ, क्योंकि तुसीं रोज चेते कर रहे हो दे वचन नूं, रोज उहनूं याद कर रहे हो जिहड़े तुहाडे जीवन च कम कीते जां जो कर रहा आ जां तुसीं सुणदे हो, जो कुछ भी सुणदे हो, तो तुसीं किहदे नेड़े रह रहे हो। इदां नहीं अज सुणिया हुण अगले संडे फिर पता नहीं, पिछले संडे की सुणिया, किन्नियां नूं पता की सुणिया पिछले संडे, याद है नहीं, बस क्योंकि इधरों सुनिया और इधरों गया, समझ रहे हो। और परमेश्वर दे दास ने कहा धन्य मनुख जेडे रात दिन किदियां गल्लां ते मनन करते ने, किदे ते मन लाउंदे ने, अगर नहीं समझ आउंदी ते परमेश्वर ने कहा सब तो पहला जिन्हों बुद्धि दा काटा ओ मेरे कोलो मंगे, की करे मेरे को, ओ मेरे कोलो मंगे, बुद्धि मंगे, समझ मंगे, ताकि तुहानू किहदियां गल्लां दी समझ आए, समझदे हो। अगर तुसी अज नहीं समझे हो सकता एक दिन तुसी प्रभु नूं भी छड्ड दो। ये महान सच इस दुनिया दा सामर्थ दा भरिया जीवन कदा भरिया, मैं इस तरह किसी नूं सामर्थ दे बारे, सामर्थ दे भरे जीवन दे बारे शब्द पुछया, मैं तुहानू पता की हुंदा, कहिंदे नहीं। हुण भी मैं पुछा अगर की मतलब है उहदा, क्योंकि समझ नहीं जाएगी आएगी, वचन अंदर नहीं जाएगा तो किवें होएगा, कम होएगा, कम बनेगा नहीं बनना, समझ रहे हो, क्योंकि साढ़े अंदर वचन जाना की आ जरूरी है, क्योंकि तुसी बुलाए गए हो परमेश्वर की उस इच्छा नूं प्रगट करन दे लई इस दुनिया च, जो दुनिया नहीं कर सकती तुसी कर सकते हो। क्यों परमेश्वर ने अपने वचन नूं ए दिता, क्यों वचन दिता, क्यों लिखिया एलीजा तुहाडे वर्गा दुख सुख भोगी की सी, मनुख सी, उह लिखिया ने गड़गड़ा के प्रार्थना कीती, की कीती परमेश्वर अगे प्रार्थना कीती, ते की होई उहनी कि 3.5 साल बारिश ना होवे, ते लिखिया उहने इदां कहा ते की होगी बारिश,
परमेश्वर ने आकाश नू बंद करता, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, किदी आवाज नू सुनिया? क्योंकि उन्हें पता सी, क्योंकि वो किदा अपने अंदर पैर रखता सी, क्योंकि एलीजा किदा पैर रखता सी, क्योंकि एलीजा कोई भी ऐसा काम नहीं सी करता जेड़ा उदे सन्मुख परमेश्वर दे सन्मुख किरना जो गया ते जेड़ा किया पाप या, क्योंकि वो जानता सी कि मेरी कौन सुनता है। अगर क्योंकि अगर उन्हें पता होंदा, वो अगर परमेश्वर दियां आज्ञावां दियां गल्लां नूं तोड़दा हुंदा, उहदे वचनां नूं पूरा ना करदा हुंदा, तो उन्हें इन्ने विश्वास नाल गिड़गिड़ा के प्रार्थना, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस परमेश्वर ते मैं विश्वास करदा वो कौन आ और वो मेरी सुनदा है। लिखा गिड़गिड़ा के प्रार्थना कीती उन्हें, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। समझ रहे हो? मैं क्या समझ रहे हो? समझ आ रही सारे नूं? क्योंकि असी एक बड़े खास मकसद लिए बुलाए गए हैं। कि गए हैं असी बड़े खास मकसद लिए, परमेश्वर बहुत तुहाडे कोल है ना खास मकसद। क्यों खास मकसद की है इस दुनिया के अंदर? क्योंकि दुनिया, इस दुनिया के अंदर लोगों के कोल उधार का जीवन, मुक्ति का जीवन नहीं है, तुहाडे कोल की हैगा है। इस संसार के अंदर लोगों कोल उधार का जीवन, मुक्ति का जीवन नहीं आ, पर तुहाडे कोल है, पर तुहानू पता नहीं है। तुसीं सोचदे हो शायद मेरे ढिड पीड़े आ, मेरे लत पीड़े आ, ते तां करके आ। तुसीं उधार दे बारे जाणदे? क्योंकि जिन्ना नबियां ने, जिन्ना चेलियां ने जान लिया प्रभु नू, उस भेत नू, क्यों अपने आप वो मरन उहदे लई मरन लई तैयार हो गए? समझदे हो? मरे कि नहीं मरे? सितपनिस एक जवान बच्चा जिन्हों पत्थरां दे नाल मार दिता, क्योंकि उन्हें किदे वचन की समझ आ गई, किदे वचन की समझ आ गई, उन्हें पत्थरां नाल मारता, क्योंकि वो जानता सी कि मैं केड़ा जीवन पाया और केड़ी सामर्थ आ, केड़ी शक्ति मेरे अंदर काम करती है। लिखिया उन्हें मौत की भी परवाह, वह प्रभु दे लई मर गया। अज इंसान अगर बहुती छेती उहदा काम नहीं बनिया, नहीं काम होया, वो बोलेगा नहीं जी साडा तो कम नहीं बनया। हाँ जी, हो नहीं आते जी? ओ नहीं जी, वो आए तो है गए सी दो वारी तुहाडे सामने, फिर गल नहीं बनी, फिर पा लिया अं फिर धागा जी, आ ठीक है हुण की है हुण? पर उत्तों उस तकलीफ तो ठीक हो गए, पर जिहड़ी इस दुनिया की सब तो वड्डी तकलीफ आ, सब तो वड्डा दर्द आ, उस मौत, कड़ी मौत, वो अनंत मौत जितों परमेश्वर ने तुहानू मसीह विच बचाया, उस उधार तो तुसी की रह जाओगे? वांझे रह जाओगे? तुसी भी रह जाओगे? तुहाडे भैन भरा रिश्तेदार भी उस उधार तो की रह जाएंगे? वांझे मरना तो की आ सब ने, पर कम से कम उधार का जीवन ते मेरा कोई कस्टमर आ, उहदे फादर साहब की डैथ हो गई है और उन्हें मैंने मैसेज किया आ, और उस मैसेज लिखिया कि वह कित्थे आ, प्रभु के चरणा च वह विराजमान हो गए ने, कित्थे हो गए ने? प्रभु के चरणा च विराजमान हो गए ने। हो जाएगा इदा कोई इंसान? नहीं होएगा, क्योंकि जब तक असी किदे वचन नूं पूरा नहीं करांगे कोई भी इंसान उत्थे पहुँच नहीं सकता। इसलिए लिखिया धरती दियां गल्लां ते मन ना लाओ, धरती दियां गल्लां ते मन ना लाओ, किदियां गल्लां? स्वर्ग दियां गल्लां ते, धरती दियां गल्लां ते मन ना लाओ, स्वर्ग दियां गल्लां ते मन लाओ। असी धरती दियां गल्लां ते मन लावांगे ते हमेशा अपने आप च कुड़दे रहांगे, हमेशा असी बोलो की रहांगे, कुड़दे कुड़दे रहांगे और सोचते रहांगे कि हैं साडी गल नहीं, साड़ी गल नहीं बनी। और जिहड़ा परमेश्वर दियां गल्लां ते मन लाएगा वह कदे भी कुड़ेगा नहीं, की नहीं करेगा, वह फैसला लेगा कि मैं उदार दे जीवन नू पाया या, और मैं अपने जीवन दे आखरी सात तक की करना है उहदे नाल वफादारी। अज वफादारी दे बारे सुनिया ना कि यहूदी और सुन्नत दा की लाभ आ, अगर वह बेवफा निकले तो की परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरी? अगर उन्होंने उहदे वचन नू नहीं मन्निया, उन्होंने उन्होंने अंदर कोई पै नहीं सी, कोई डर नहीं सी,
यहूदियां दे अंदर समझदे आ उन्हां नूं मिस्र चों आजादी दे लई परमेश्वर ने किन्ने किन्ने वड्डे चिन्ह चमत्कार प्रगट कीते कीते कि नहीं कीते पर फिर भी उन्हां दे अंदर परमेश्वर दा भय बनिया नहीं रहा उहदा डर बनिया बनिया नहीं और जिहड़े जिहदे अंदर बनिया रहेगा उहदी हर इच्छा मैं तां कह रहा सी कि ये छुट्टियां छुट्टियां इहदे अंदर गल्लां लिखियां है छुट्टियां छुट्टियां गल्लां जिहड़ियां रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच साडे लई बहुत जरूरी है बोलो की है रोज़मर्रा की जिंदगी च बहुत जरूरी है अगर तुसीं पूरियां करदे जाओगे तो परमेश्वर तुहानूं पूछ नहीं लिखिया की बनाएगा की बनाएगा पूछ नहीं सिर क्योंकि सिर की हुंदा उच्चा तुहानूं उच्चियां करेगा जो तुसी किहदा पैर रखोगे और किहदी गल नूं पूरिया फिर तुसी पूछ नहीं सिर क्यों मूसा दे द्वारा दिता वचन जदी तू मेरियां सब आग्ञावां चित ला के ते चौकसी नाल पूरियां करेगा ते मैं धरती दियां सारियां जातियां चों तेनूं नीवां करांगा जिवें संसार विच लोक मरदे टेंदे बीमारियां च ने सब कुछ ने रोंदे कलोंदे तू वी इदां दा लिखिया कि नहीं लिखिया लिखिया इदां ना की करांगा जदी तू मेरियां सारियां आग्ञावां नूं चित ला के चौकसी नाल की करेगा पूरियां करेगा मैं तेरे जीवन नूं धरती दियां सब जातियां तों फिर की उस तो बाद की किया परमेश्वर ने की किया अगे दन्ने है तू पढ़ना वचन पढ़ना जल्दी ये वचन पढ़ो धन्य है तू 28 पढ़ो और किवें लिखिया और फिर दो च लिखिया फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण जे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे सुनो सुनो ध्यान ना सारे फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण जे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे धन्य हो तू नगर में धन्य हो तू खेत में धन्य हो तेरी संतान तेरी उपज तेरी भूमि की उपज गायें भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठोती धन्य हो तू भीतर आते समय धन्य हो तू बाहर जाते समय तुसी धनता दे योग हो महिमा दे योग है तुहानू किन्ने क्या है किन्ने क्या और अगे लिखिया सत्त विच यहोवा ऐसा करेगा तेरे शत्रु को तुझ पर चढ़ाई करेंगे तुझ से हार जाएंगे असी जानते हैं साडा शत्रु कौन है वो की हो जाएंगे हार हार जाएंगे और अगे की लिखिया परंतु तेरे सामने से सात मार्ग होकर बाग तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा कि देगा इसलिए जो देश यहोवा तुझे देता उसमें तुझे शिष्ट है यदि तू अपने यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले और वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके की करेगा स्थिर करेगा और पृथ्वी के देश देश सब लोग जे देखकर तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर सुनो सारे ध्यान करो सुनो क्यों जाएंगे पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर डर जाएंगे की कह जाएंगे वो डर जाएंगे जिवे सुनिया ना यूनान नबी दे बारे जदों उन्हें अपने परमेश्वर नु पुकारिया तो उस शब्दां नु सुन के की हो गए डर गए की हो गए वो डर गए और जिस देश के विषय यहोवा ने शपथ खाई आ तेनू की करेगा उथे पचावेगा
और लिखिया फिर आकाश रूपी अपने भंडार नू खोल के उत्ते अपरंपार की करेगा आशीष देवेगा। पर अगर ये तो आशीष वचने हैं पर इसे दी अगर असी 15 पढ़ते हैं फिर परमेश्वर ने उत्ते तनु एक अच्छा आंसर दिता। अगर तुसी सुन तो बाद नहीं किता तो फिर परमेश्वर ने ताड़ना भी दिती है कि दिती तनु फिर इतने लिखा परंतु तू यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं को विधियों को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तुझे सब शाप तुझ पर पड़ेंगे। पहला लिखा सी धन्य हो तू खेत में समझ गया हूँ श्राप आ गए जे नहीं पूरा कर दे शापित हो हूँ आ गया अर्थात शापित हो तू नगर में। पहला की सी धन्य हो तू नगर में जिथे तुम रेंदे हो वह नगर भी जेड़ा गली महला पेंड आ जिथे तुम रह रहे हो वह धन ने तुहाडे कारण। तुहानू पता अब्राहम का एक भतीजा सी सुनो ध्यान नाल नहीं सुनिया तो सुनो एक लूत अब्राहम का भतीजा सी सदोम ते अमोरा दे विच जिथे वह रेंदे सी उतों की पाप बहुत वध गया और परमेश्वर ने कहा एक दिन मैं इस नगर नू की कर देवगा नाश कर देवगा। पर अब्राहम नू जदों परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम ने कहा अगर परमेश्वर उस नगर विच सुनो सारे ध्यान करो अगर उस नगर विच 50 धर्मी होण ते तू करेगा परमेश्वर ने कहा नहीं। फिर उन्हें कहा जे 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 40 होण उन्हें कहा नहीं फिर भी नहीं कहिंदा जे 30 होण 20 10 कहिंदा मैं फिर भी मैं नाश नहीं करांगा क्योंकि तुसी किदे लोग हो किदी प्रसाओ क्योंकि पर तुहानू पता जिस नगर विच रह रहे हो वो सारा नगर नाश हो जाना सी क्यों जाना सी वो सारा नगर पर सिर्फ लूत दे कारण वो उत्थे वो बचिया पर जिवें लूत निकलिया उतों तो सारा नगर की हो गया बर्बाद हो गया क्यों हो गया सारा नगर बर्बाद हो गया क्योंकि लूत किदा पैर रखता सी किदा डर रखता सी और किदियां विधियां ते चलता सी किदियां आज्ञावां ते चलता सी समझ रहे हो और वो नाश सारा सदोम ते अमोरा नाश हो गया समझ हो बावा आउंदियां सी ना बंबारियां पिछे जे पाप दे कारण पूरा पिंड पूरा नगर पूरा अमृतसर है जेडे परमेश्वर ते लोग विश्वास करदे उन्हां नूं कुछ नहीं होएगा की होएगा उन्हां नूं कुछ भी भजन सुनदे ही ना ही किदां सी वड्डे पाणियां दे हड़वी जद आउणगे तेरे डेरियां तक बोलो शब्द किदा है शुरुआत किदा भजने किदा है भजन हां हां बोलो हेलो तू ना डर रब दे आ बंदे आ तेरा रखवाला दीवार है तेरी जिंदगी ते मां विच एक दीवार है जिस जिंदगी ते मां विच एक दीवार है तेरी जिंदगी ते मां विच एक दीवार है जिसका है नाम यहोवा
जिंदगी ते मौत विच की आ एक दीवार आ, वो दीवार कौन आ समझदे आ? तो छू भी ना पाएगा, क्योंकि तेरी जिंदगी ते मौत दे विच हुण कौन दीवार बन गया? यहोवा, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। समझदे आ? ते हालात कोई तुहानू छू भी, पर लिखिया जे जे सुनोगे ते सारे आशीर्वाद की होणगे तुहाडे उपर होणगे, पर लिखिया जे तू ओदी सुन के नहीं पूरिया करेगा तो लिखिया शापित हो तू नगर में। पहला दन्ने लिखिया, सुनो ध्यान ना, पहला की लिखिया दन्ने है, पर लिखिया नहीं करेगा ते तू शापित हो तू नगर में, और शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान भूमि की अपस गायें बेट बकरी बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापे तू बाहर जाते। हुन उल्टो गया, सुनने दे कारण किया सब कुछ आशीषा है, पर ना सुन दे कारण पूरा ना करन दे उल्टो गया वचन। की हो गया? जद के तुसी शैतान दे विरुद्ध की करना उल्टा करना है, पर शैतान तुहाडे विरुद्ध उल्टा कर रहे हैं। मैं दस दूं ना कि जो मैनू पैसों की बड़ी घटी हो जाती है तो मैं उल्टा करना, क्योंकि मैनू घटी कौन करता है? सुनो तो आना सारे, मैनू घटी कौन मेरी घटी नू करता? पूरा शैतान मैनू घटी देंदा, पर जेड़ा मैनू देंदा मैं उदे सन्मुख उल्टा करदा, फिर मैं किदे लई ज़्यादा करदा? किदे लई ज़्यादा करदा आ? इत्थे इत्थे लिखिया ना जिवें ए वचन देखिया, सुनने दे कारण आशीर्वाद ते ना सुनने दे कारण की आ शराब। हुण फैसला तुसी लैना है कि मैं आशीर्वाद पाउणे आ कि शराब लैणे आ। सुनो सुनो ध्यान, मैं आशीर्वाद वाला जीवन पाउणा कि शराब वाला जीवन पाउणा है? फैसला तुसी लैणा है कि लैणा है। सब कुछ अज सब कुछ दस्या कि नहीं दस्या, लिखिया कि नहीं लिखिया कि जिस नगर विच रहना तू धन होवेगा, पर जे तू नहीं सुनेगा तो फिर तू शरापित होवेगा। जिस है ना, जे तेरा खेत है तो उच्च भी की होएगा धन होएगा, जे तू नहीं सुनेगा तो शापित होएगा, जे तू सुनेगा तो तेरी टोकरी भी की आ धन्य है, तेरी कठौती भी धन्य है, जे नहीं है तो फिर शराप आ। जे सुनेगा तो तेरी धन्य है तेरी संतान, जे नहीं सुनेगा तो शरापित है तेरी संतान। फैसला तुसी लेना है। फिर असं कहने कि साढ़े बच्चे इदा करते उदा, तू सुन के किदा पैर रखो अपने जीवन च, किदा पैर रखो, और अज तो किदे नाल फैसला लो जीन दा कि मैं उदा पैर रखना, मैं उदी हर आग्या निक्की तो निक्की आग्या। तुहानू पता एक जगह ते मत्ती 5:14 च प्रभु ने कहा जिहड़ी छोटी तो छोटी आग्या नू भी तोड़ेगा वो परमेश्वर दे राज विच नहीं वड़ेगा। कि नहीं वड़ेगा? जिहड़ी निक्की तो निक्की आग्या नू भी तोड़ेगा। इसलिए मैं तुहानू कहा ये जरूरी है कि आ बोलो, अगर तुहाडे अंदर पै होवे डर होवे तो फिर तुसी इस तरह ना तोड़ो। इहदे अंदर सब कुछ लिखिया, जिन्हां दे कोल नहीं आ ये साडे कोल पए ने वो लै लियो और पूरा करना। की कर दियो? उन्नू सुन के पूरा करना शुरू करियो। समझदे हो? और परमेश्वर अज दे इस वचन नाल तुहानू 100 गुना बरकत देवे, 100 गुना तुहाडे जीवन च फल लैके आवे, और आने वाले दिनों दे विच ए वचन तुहाडे जीवन च गवाहियां लैके आवे, तुहाडे जीवन च कम्मां नू पैदा करे, तुहाडी हर मुश्किल हाल हालात नू प्रॉब्लम नू दूर करे। किहदा वचन? आमीन। जोर से बोले हल हल। तो ठीक है जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी का बड़ा धन्यवाद, मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम के विच। जैसे मैं मूसा के साथ था, साथ था तेरे भी रहूंगा।
सके साथ था तेरे बिरहंगा। आमीन।